okay i hope session is live now all clear thank you so much for the confirmation तो आज का वैसे आप लोग को टॉपिक देख के हेडिंग देख के समझ में आ चुका होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री को और हिस्ट्री कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपका सारा कवर हो जाए जैसे कि मेरा एवल है आपका एंशेंट है और साथ ही साथ आपका जो मॉडर्न पार्ट है तो थोड़ा थोड़ा करके समझते रहेंगे उसको समझते हुए फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे आज वाले सेशन में तो एक काम कीजिएगा आप लोग सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो जो लोग सेशन में नहीं हैं वो सारे भी सेशन में आ जाएँ राइट ओके सो मूविंग फॉरवर्ड दैम कहां के के आप हैं कहाँ पे टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर गाइज आप लोगों को मैं वापस बता दे रही हूँ ये सेम बात है यहाँ पे अगर आप टेस्टबुक बुक का सुपर कोचिंग अगर आप परचेस करते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो एस एस के लिए तो एस एस एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे सारे कोर्सेज़ जो हैं ए टू जेड कोर्सेज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट आपके एजुकेटर्स के कोर्सेज़ आपके जो यहाँ पर एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेस के बारे में अगर बात करूँ तब भी मैं कह रही हूँ और अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के कोर्सेज़ के लिए तो वो भी और उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है क्यों क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हो आप जो पास खरीद रहे हो उससे सिमिलर उसी में आपको सारे एस एस सी एग्ज़ाम्स को कैटर करने के लिए एक जगह पर आपको मिल जा रहा है ओके तो सारे एजुकेटर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपके एस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भैया आप पूरे टाइम पीरियड पर रेडी बैठे हुए हैं तो आ जाइए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर सभी को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से बेटा जब ऐसे जब मैम जब पढ़ाती ना जब एम सी पढ़ाती है ना मैम तब तो कोई आते नहीं है बच्चा है ना ओके ना पे अटेंशन गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है अगर अब बात करूं आपसे मिटाइवल इंडिया के टाइम पीरियड के द्वारा तो सोलंकी क्विन थी नाइकी देवी जिन्होंने डिफीट किया था इन्वेडर्स को उस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो चुके थे इंडिया में तो ये बैटल ऑफ कायदारा हुआ था जब सोलंकी किन किंग कि के बारे में बात हुई है सोलंकी के बारे में बात हुई है तो शायद आपको यहां पे याद आ गया होगा कि सोलंकी राजा आपको याद आ रहा है भीम सेकेंड भीम देव भीम सेकेंड कुछ याद आ रहा है आप लोगों को सोलंकी राजा जिन लोगों ने बार बार मंदिर टूटने के बाद ही बार बार मंदिर का निर्माण कराया था सोलंकी राजा ने और सोलंकी राजा के टाइम पीरियड पर याद कीजिएगा किसका इन्वेजन हुआ था गजनावी का घौरी का सुबुदगीन का कि मोहम्मद बिन कासिम का वैसे सुबुद्दगीन का नाम मैंने आपको कब बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो कि देखो भारत में दो चीज हुए हैं एक हुआ है अरब इन्वेजन और एक हुआ है टर्किश इन्वेजन देखो कैसे है अगर आपसे पूछता है कि मुस्लिम्स अलग थे और टर्किश अलग थे ये बातें आप ध्यान में रखेंगे हिस्ट्री में जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है क्या मुस्लिम्स अलग थे और ये जो तो टर्किश आप पढ़ते हो टर्किश अलग थे इसलिए हम क्या करते हैं जैसे हम मॉडर्न मॉडर्न कह रही हूँ मैं जैसे हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इन्वेजन ऑफ टर्किश तो ये जब क्वेश्चन आता है कि इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन्वेजन ऑफ टर्किश तो ये अलग होता है टर्किश थे कौन असल में अगर मैं बात करूं कि ये जो टर्किश थे ये yeah, मैम थे कौन फिर अगर ये मुसलमान नहीं थे तो बेटा ये कबीले थे कबीला बोले तो एक ट्राइब हुआ करते थे जो टर्किश थे ये एक ट्राइब हुआ करते थे जो कि चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके पर रहा करते थे चाइना जो था चाइना के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर लाइन के एरिया के पास ही रहते थे ट्राइब्स इन सेंस जैसे कि तुमने देखा ना बहुत सारे सीजन्स बहुत सारे सीरीज तुम लोगों ने देखे होंगे ट्राइब्स का काम क्या होता है लूटना पाटना फिर वहाँ से निकल जाना है ना खाना खाने के लिए कहीं पे एक कबीला बन के एक कहीं पे जाते रहना लूटना फिर वहाँ से निकल जाना फिर कहीं पे स्टे करना कहीं पे आक्रमण करना कहीं से लूटना और फिर वहाँ से चले जाना तो असल में ट्राइब्स थे और ये उमैया वंश के शासकों के प्रभाव में आके किसके शासकों के प्रभाव में आके उमैया वंश के शासकों के प्रभाव में आके इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूला था धर्म बदला था मतलब जो भी उमैया वंश ये एक शासक था उमैया वंश का जिसके इन्फ्लुएंस में आके या फिर जिनके कह सकते हो पसंद में करके इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूला था देखो ट्राइब्स तो पहले बहुत हुआ करते थे ना भाई आज भी होते हैं ट्राइब्स जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है तो सोलंकी से सभी को याद आ गया और सभी ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में जवाब भी दे दिया है कि ये कौन था महमूद घौरी बहुत बुरी तरीके से इसकी हार हुई थी घौरी की हार कहते हैं कि नायकी देवी ने जो कि आपके भीम सेकंड की माँ थी भीमदेव की माँ थी इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से इसको हरा दिया था बात आई समझ में ध्यान दीजिएगा भक्ति सेंट रामानुजाचार्य जो है ये डिवोटी थी हम लोग कई बार पढ़ते ना भक्ति सेंट के बारे में आप जब भी एंशियंट हिस्ट्री खोलते हो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपन भक्ति सेंट के बारे में ना पढ़े राइट बताएंगे ये किस भगवान के भक्त थे विष्णु भगवान के भक्त भक्ति सिंह रामचुचार्य जो जुछ थे ध्यान रखिएगा ये भगवान विष्णु के भक्त थे इनकी उपासना करते थे इन्हीं को पूजा करते थे ठीक है आगे देखिएगा राजा टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था किसके बारे में बात कर रही हूँ राजा टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था एक स्टैंडर्ड वेट और मेजर किसके लिए लैंड सर्वे के लिए और सेटलमेंट सिस्टम के लिए रेवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में अकबर के रिज़ाइन पीरियड पर आपको बताना है कि हुज रिज़ाइन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने असल में ये अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप किया था मतलब मैम आइए आपको हम दोबारा समझाते बड़े ही प्यार से समझाते हैं आपको एक चीज़ पता है परमनन सेटलमेंट जो अंग्रेज़ लेके आए थे पर्मन सेटलमेंट छोड़ो अंग्रेज़ क्या करते थे वॉट दे यूज टू डू उनको टैक्स चाहिए था टैक्स बोले तो उनको क्या चाहिए था रेवेन्यू चाहिए था अब टैक्स या रेवेन्यू पाने के लिए आपको लैंड को यानी कि ज़मीन को रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा कि भैया किसकी कितनी ज़मीनें हैं है ना इस जमीन पे तुम कौन सा अनाज उगाते हो तुम्हारी जमीन कितनी ही अच्छा तुम्हारे तुम्हारे खेत पे क्या होता है तो अक्सराना ये बंदा जो है अपने खेत पे गन्ना उगाता है या फिर अक्सराना जो ये बंदा जो है अपने खेत पे धान की खेती करता है राइट तो एक ये पूरा ब्योरा है तो टोडरमल जो है हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है कि अंग्रेज़ों की जमींदारी सिस्टम लाने से पहले से ये सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता था अकबर के टाइम पीरियड पे टोडर मलने सेम काम करते थे स्टैंडर्ड वेट मेजर्स लेना लैंड का ज़मीन का सर्वे करना कितनी ज़मीनें हैं ठीक है ठीके? किस प्रकार की ज़मीन पे कौन सा अनाज उगाया जा रहा है कौन सी फसल उगाई जा रही है तो ये सब काम चलता था कहाँ पे अकबर के टाइम पीरियड पे उसके सारे सूबे में लेकिन असल में टोडर मलने सीखी किससे थी कुछ याद आ रहा है आपको मैंने बार बार बताया इस इंसान के बारे में आपको कुछ याद आ रहा है आप लोग को मैंने आप लोग को बार बार बताया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करेंगे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करेंगे पट्टा सिस्टम की बात करेंगे जमीनी मामले में जिसने बहुत ध्यान दिया था जिस शासक ने तो वो कौन था गलत बता रहे हो बेटा अकबर तुम तो कह दिए पहले ही गलत बता रहे हो मैंने क्या बोला कि अकबर के रिजाइन में तो पहले से तो भे कर रहा था लेकिन इसे सीखा कहाँ से था अभी क्या होता है ना कि मैंने कहा कि यार आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट तो चलो ठीक है मेरे केसेस होते हैं लेकिन मैंने सीखा कहाँ से मैं आज भी सेम चीज लिखती हूँ प्रैक्टिसिंग इन कैकला हाई कोर्ट क्यों भाई मैंने सीखा वहीं से है मैंने तीन साल चार साल मैंने वहीं प्रैक्टिस करी है कैलकाटा हाई कोर्ट है मैंने प्रैक्टिस करी है तो मैंने जितना भी काम सीखा मैंने सीखा वहीं से है हाँ अपन उस चीज को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं कि अच्छा उसी एक्सपर्टीज को अपन आगे की तरफ कैरी करते हैं लेकिन आपने मेन काम सीखा कहाँ से है ऑरिजिन क्या था शेर शाह सूरी से सीखा था क्योंकि ये पूरा का पूरा लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का अगर मैं काम बताऊं अगर लैंड का यानी जमीन के प्रशासन का अगर मैं आपको काम बताऊं जैसे आप लोग का जमीन में भैया नहरें बनाना सबकी ज़मीनों का नाप जोख करना है ना जीडी रोड बनवाना कौन सा लैंड किससे कनेक्टिव होगा आपके पास अगर भाई कितनी ज़मीनें हैं कितने कट्ठे हैं कितने बीघे हैं कितने पिलर हैं जमीन में कौन सा रास्ता आपका उपजाऊ है कौन सा भूमि आपका उपजाऊ नहीं है उनके बारे में जानकारी रखना कौन से खेती करते हो आप खेती बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो इन सब चीजों के बारे में कौन करता था शेरशाह करता था याद रखिएगा ठीक है आगे देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी गिव अ अराइज टू द वर्कशिप ऑफ सत्यपीर कॉमन गॉड विच इज वेरी टू सत्यनारायण अमंग्स हिंदूज इनमें से किस डायनेस्टी के द्वारा किस डायनेस्टी के द्वारा किस वंश के द्वारा एक भगवान के पूजा पाठ को बढ़ावा दिया गया था जो कि कॉमन गॉड हुआ करते थे अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल ही आपके सत्यनारायण भगवान की तरह यानी हमारे सत्यनारायण भगवान की तरह ये हुआ करते थे सत्यनारायण जिन्हें हम हिंदू मानते हैं पूरी दुनिया मानती है और अलग बात है कि फिर हिंदू मार दिए गए या तब्दील कर दिए गए लेकिन पूरी दुनिया मानती थी चलिए बताएंगे हुसैन शाही डायनेस्टी हुसैन शाही डायनेस्टी वेरी वेरी गुड गाइस वेरी वेरी गुड क्या है हुन शाही डायनेस्टी तो ऐसा नहीं है हमारे रूलर्स क्या थे रूलर्स हमारे ऐसे ऐसे रूलर्स आए जो बड़े ही कह सकते हो कि अच्छे इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं भैया चलो ठीक है लेकिन कई बार इन सब चीजों को देख के अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता है, है ना अब जैसे भैया था तो एक रूलर और भी कुछ याद आ रहा है जिसने एक साइड पर लक्ष्मी माँ की सिक्के के ऊपर एक साइड पर लक्ष्मी माँ की तस्वीर छपवाई थी बैठी हुई लक्ष्मी माँ की तस्वीर कौन था जिसने कलमा भी ये छपवाया था सिक्के के ऊपर राइट अब देखो लोधी डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं लोधी डायनेस्टी जो है अगर आपको इसको मैं मार्क करूँ तो मैं बोलूँगी यार लोधी डायनेस्टी के ख़त्म के बाद ही तो मुगल डायनेस्टी आरंभ हुई है है ना लोधी डायनेस्टी ख़त्म तुम सोचो ये कैसे शुरुआत हुआ शुरुआत हुआ स्लेव डायनेस्टी से गजनी आया गजनी आके यहाँ पे लूटपाट मचा के मार पीट के सब कुछ ख़त्म करके चला गया गजनी गया घोरी आया घोरी ने वैसे ही तबाही मचाई खैर वो हारा यहाँ से घोरी के मरने के बाद उसके गुलामों ने शुरू की यहाँ पे सत्ता तुम देख रहे हो घौरी के मरने के बाद उसके गुलामों ने यहाँ पे सत्ता शुरू की दिल्ली सल्तनत काल पे बैठे ये लोग अब ये पूरा सल्तनत काल स्लेव डायनेस्टी से लेके ये कब तक चलता है लोधी डायनेस्टी तक चलेगा बढ़िया से तब तक जब तक क्या हो जाए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ना हो जाए जब बाबर एंट्री नहीं मारेगा और जैसे ही बाबर यहाँ पे एंट्री मारेगा तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा मुगल वंश यहाँ से स्टार्ट होता है ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ देखिए महमूद अफ गजनावी जो है इसने इंडिया में कितनी बार इन्वेड किया था मैंने कल ही आप लोग को बताया था बताइए सेवनटीन 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 ग्रेट ग्रेट सत्रह बार इसने भारत में आक्रमण किया था हज़ार ए से इसने शुरू किया था भारत में इसने आना जाना शुरू किया इसने देखा कि भारत में धन है भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है मैंने आप लोगों को कल भी वाले सेशन में भी बताया था कि कई बार आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछता है कि इसका एम क्या था जो इसने सेवेंटीन टाइम्स बाबा अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर आखिर इसका मकसद क्या था और जब भी इसने अटैक किया इसने कहाँ अटैक किया मंदिर के ऊपर अटैक किया क्योंकि हमारा देश समृद्ध था और भगवान को आप क्या करते हो पूजा अर्पणा करते हो चढ़ाते हो आज भी अब साउथ में जाओगे मंदिर बहुत अमीर है राइट साउथ में जाओगे तो क्यों लोग चढ़ावा देते हैं भगवान को अपनी मर्जी से जिसका दिया सब कुछ उसको कैसे ना कुछ दें राइट जिसका दिया सब कुछ है उसकी तरफ कैसे ना कृतज्ञ हो वो वाली बात है तो इसने इस चीज़ का फायदा उठा लिया और क्या कहा कि भैया मंदिर में क्या है भाई अमीर जगह है अब यहाँ पे अटैक करेंगे तो चलो ठीक है तो मंदिर लूट के चले जा रहे हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन भिखारी आदमी हो हम दोबारा बना सकते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो पैसा लेकिन मंदिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी पहला इंसान जिसका नाम क्या पड़ा इसका टाइटल क्या पड़ा मूर्ति भंजक इस गजनावी को इस गजनी को लोग क्या बुलाते थे मूर्ति भंजक बुलाते थे जहां जहां मूर्ति दिखता था वहां वहां ये मारता था देखो ख़त्म करता था तोड़ता था अगर मैं तुमसे ऑफिशियली पूछूं कि जिहाद का नारा किसने दिया था सबसे पहले जिहाद का नारा किसने दिया था तो आप ऑफिशियली मुझे क्या बताओगे कि मैम मैम ऑफिशियली किसने दिया दिया था था बाबर ने राइट right. जब जब राणा सांगा से उसकी आर्मी जब हारने लगी थी जब बैटल ऑफ खानवा में जब बैटल ऑफ खानवा हो रहा था और उस टाइम पे जब इसकी आर्मी पीछे भागने लगी थी डर के और नहीं हो रहा था इन लोगों से उस टाइम पे बाबर ने देखा कि उसकी आर्मी पूरी भाग जा रही है तब जाके उसने नारा किया दिया था उसने जिहाद का उसने नारा दिया था किसका जिहाद का उसने नारा दिया था लेकिन ये तो भैया बोल के हुआ ऑफिशियल तरीके से हुआ लेकिन ये जो काम कर रहा था इसकी हरकतों की वजह से कई हिस्टोरिकल्स ने इस चीज को लिखा है कि ये बेसिकली जिहाद को प्रमोट कर रहा था बात आई समझ में वट डू यू मीन बाय जिहाद वट डू यू मीन बाय जिहाद ना सत्रह बारिस इसने भारत पे आक्रमण किया इसका मकसद क्या था मकसद था मिडिल एशिया में साम्राज्य स्थापित करना अब बाबा कहीं भी अगर आपको एम्पायर स्टैब्लिश करना हो कहीं भी आपको एम्पायर बनाना हो तो बात है यू 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 विल नीड नीड मनी मिडिल एशिया में इसने अपना साम्राज्य स्थापित करना था तो वहां पे साम्राज्य स्थापित करने के लिए भैया पैसे की जरूरत थी और थे भैया भिखारी आदमी तो क्या ही करते तो अटैक करना शुरू किया क्लियर एवरीवन मूविंग फॉरवर्ड गाइस गाइस शेयर कर देंगे एक सारे लोग क्लास को अब ध्यान दो <laughs> अगला सवाल क्या कह रहा है जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का राज था ठीक है किसका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जब राज था तो उस टाइम पीरियड पे इसने करेंसी कह सकते तरीके से एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर चांदी के सिक्के इसने लाए थे मैं आपको कल इसके बारे में बता रही थी ना कि मोहम्मद बिन तुगलक का किस्मत ना थोड़ा सा खराब था लोग इसे किंग ऑफ अपोजिट भी कहते थे क्या कहते थे किंग ऑफ अपोजिट्स जो भी फैसला लेता था ना जाने क्यों हमेशा ये फैसला इसके अगेंस्ट चला जाता था विपृतों का सरदार बुलाते थे लोग जिनकी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था चलो मैं तुमको इसका ब्यौरा देती हूँ स्टार्टिंग से इसका मैं ब्यौरा देती हूँ कि आखिर ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन था कौन देखो इतिहास में आपको दो नाम ऐसे मिलेंगे इतिहास में आपको दो ऐसे शासक मिलेंगे जिनका नाम आपको दिखेगा क्या भैया पहला नाम कुछ और था बाद में कुछ और था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का अगर अपन पहला नाम अगर बताएंगे तो इसका पहला नाम क्या था उलग खान ऐसे घर का नाम कहते हैं ना घर का नाम से क्या था उलग खान और दूसरा एक और इसका नाम था जिस नाम से जोना खान के नाम से जाना जाता था किस नाम से जोना खान के नाम से और इसी के कज़न ने इसका जो भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का जो भाई था इसने अपने मोहम्मद बिन तुगलक भाई यानी जोना खान के नाम पे एक शहर भी बसाया जिसका नाम क्या रखा जौनपुर रखा तो जौनपुर शुक्ला जी का नहीं था जौनपुर जौना खान के नाम पे बसाया गया क्या नाम रखा जौनपुर बोलोगे यार मैम ये लोग शहर भी बसा देते हैं क्या मैंने कहा हाँ हाँ इसका पहले नाम क्या हुआ करता था जौनपुर हुआ करता जौना खान हुआ करता था इसका नाम तो इसके जो कजन इसका भाई था उसने इसके नाम पर एक शहर बसा दिया अरे बाबा तुम ऐसे सोचो ना टाटा का शहर आज किसे जानते हैं झारखंड को आप मानते हो टाटा का शहर हाँ या ना ठीक है अब समझो कॉल भी ऐसा ऐसा आता है कि मैं क्या ही बताऊं हाँ अब होगा क्या इसके बाद तो जैसे कि टाटा जब आए टाटा कहते हैं ना कि टाटा का शहर टाटा का शहर कहाँ पे है भाई तो आप लोग क्या कहते हो कि झारखंड जो है झारखंड में टाटा का शहर है राइट मैक्सिमम लोग कहते हैं कि झारखंड में टाटा का शहर है जिसे हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं फिर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर टाटा ने अपनी एक स्टील लगाई थी वो खाली जगह हुआ करता था कुछ नहीं था वो एक खाली जगह हुआ करता था वहाँ पर जमशेद जी टाटा ने अपनी स्टील सेकंड की फैक्ट्री लगाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना योगदान की वजह से केम्सफोर्ड आता है वहाँ विजिट करने के लिए ठीक है उस दौरान पे उन लोगों ने एक शहर बसाया था जमशेद जी टाटा ने एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा था साक्षी साक्षी नाम रखा था उस शहर का और कहते हैं कि पाँच छः सात सालों में उस शहर में पचास हज़ार लोगों की आबादी भी हो गई थी लोग तो बहुत हैं तो छः सात कह लो छः सात सालों में वहाँ पर लोगों की आबादी पचास हज़ार के करीब पहुँच चुकी थी जब कैम्सफोर्ड वहाँ पे आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भैया बहुत बड़ा योगदान रहा था इन uh, स्टील का तो इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था जब वो आता है तो उसने कहा कि इस जगह का नाम क्या होगा भैया जिस जिन्होंने बनाया है इस शहर को असल में और जिनकी वजह से ये शहर समृद्ध है जिनकी वजह से शहर बसा है तो ये नाम उसके नाम पे होना चाहिए इस शहर का नाम तो उसने उस शहर का नाम जमशेद जी किया जमशेदपुर जमशेद जी बोले तो जमशेद जी ने बनाया था उसको तो जमशेद से वो क्या बन गया जमशेदपुर बन गया इसीलिए कई लोगों से टाटा नगर भी बुलाते हैं बात आई समझ में तो वैसे ही नाम बनता है, लोग शहर बसाते हैं आपको बात आ रही है समझ में यहाँ पे तो इसने जौनपुर बसा लिया इसके नाम पीरियड पर अब इसकी किस्मत कहाँ से ख़राब होनी शुरू हुई वो समझो इसके पिता आ रहे थे कि युद्ध जीत के अरे वही गाजी वाला टाइटल लिए हुए जो थे काफिरों को मारने वाला हाँ तो गयासुद्दीन साहब जो है वो आ रहे थे युद्ध जीत के और जब युद्ध जीत के आए तो ये भैया जो है ये उनकी खुशी के लिए एक महल बनवाते लकड़ी का कि सेलिब्रेट करेंगे अब्बू जान जो है हमारे वो युद्ध जीत के आ रहे हैं अब देखो इन्होंने बड़े अच्छे मकसद से किया था ये काम लेकिन जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो एक पागल हाथी घुस गया और उसने जो तबाही मचाई वो पूरे महल में लकड़ी का जो महल बनाया था सेलिब्रेशन के लिए कि भैया इनके पिता उस लकड़ी के महल में दब के मर गए थे पिता समाप्त अब इनका राज शुरू होगा अब ये कुछ चेंजेस लेके आएंगे अपने लोगों की बढ़ोतरी लोग के लिए लोगों के अच्छे के लिए चेंजेस लेके आना ये शुरू करेंगे जिसमें से बहुत सारा काम करेंगे कैपिटल शिफ्ट का काम करेंगे जहाँ से इनके लोग मर जाएंगे फिर ये क्या लेके आएंगे सिल्वर कॉइन जिसका नाम क्या था अदल था क्या नाम था अदल था ये पूरी वार्तालाप समझ में आ गई अच्छा देखो हम कितनी देर से पढ़ा रहे हैं हम कमेंट सेक्शन देख भी नहीं रहे थे हम पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान दे के अब देखो इन लोग का कुछ नालायक और इतने बदतमीज़ वेले बेरोजगार मतलब पता नहीं हमको अच्छे शब्दों का कलेक्शन करना होगा कसम से बता रहे हो ऑफलाइन क्लास होता था इतना इतना तुम लोग को पकड़ के क्या नहीं बोलते हम तुम लोग को पकड़ के सही बता रहे हैं कह रहा है पढ़ा रही है खूबसूरती का आईना दिखा रही है सुन रहे हो इन लोग की हरकतें अरे तुम लोग को किस बात से इतना इनसिक्योरिटी है रे नालायक काहे का, का इतना सिक्योर इनसिक्योरिटी है अपने आप को लेके तुम तो जैसे हो अच्छे हो काहे किसी और को देख कंपैरिजन करना है रंग देख के ये देख के वो देख के सारा यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे खुश नहीं है कोई भी आदमी यहाँ पे खुश नहीं है ये लंबा है ये छोटा आदमी है अच्छा ये गोरा है ये काला है ये नाटा है ये लंबा है मतलब आदमी किसी में खुश नहीं है और भैया अगर किसी का शॉर्ट हाइटेड है देखो ना लॉन्ग हाइट वाला आदमी तो बहुत तेज बनता है अपने आप को आपको हम तो 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 देख के गुस्सा आता है लंबे हाइट वाले लोगों को देख के मैंने कई लोगों से ये बातें सुनी है क्यों कॉन्फिडेंस रखो ना अपने अंदर काहे कंपैरिजन का करते हो अपने आप में हदालत है बाबू इसलिए शिक्षा जरूरी है तुम लोगों की वजह से सरकार जो है 2010 में राइट टू एजुकेशन को बनाई है फंडामेंटल राइट बोलिए कि बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा इसीलिए उसको जोड़ी भी है आर्टिकल 21 के साथ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा भी उसको 21 के साथ बोला है कि बाबू जीवन जीने का अब कोई मतलब नहीं बनता देखो पहले का टाइम अलग हुआ करता था और पहले के टाइम पे आपके माता पिता ज्यादा समझदार हुआ करते थे पढ़े लिखे नहीं होके आपसे ज्यादा समझदार थे हम पढ़े लिखे होके बकवास आदमी हो रखे हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों में संस्कार नहीं है संस्कार तो विलुप्त हो चुका है इसीलिए सरकार ने बोला कि बाबू आर्टिकल इक्कीस जो है इस आर्टिकल इक्कीस के साथ मर्ज कर दो किसको राइट टू एजुकेशन हो क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है अब होता है कि आपके पास शिक्षा होनी चाहिए अगर शिक्षा नहीं होगी तो बहुत दिक्कत की बात है आगे बढ़ेंगे ध्यान देंगे अरे इनमें से किस राजा ने वॉर में यूज किया था क्या रॉकेट यूज किया था जल्दी से राम 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 ध्यान दीजिएगा क्या बताया मैंने किसने रॉकेट यूज किया था मैंने कल वाली क्लास में भी आप लोग को इसके बारे में बताया था कि बाबू ये कौन थे टीपू सुल्तान जो कि अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके थे अंग्रेजों ने कितना भी इन्हें कहा था कि भैया तुम हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कर लो कितना भी इन्हें कहा कि हमारे अंडर आ जाओ हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे इन्होंने बोला बाबू हम झुकेंगे तो नहीं तुम्हारे साथ और सबको इवन बोला मदद मांगी सबसे इवन फ्रांसी को जितने फ्रांस वाले लोग थे जो यहाँ से चले जा चुके थे बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के बाद उन लोगों से तक भी मदद मांगते रह रहे थे ये कि हमारी आर्मी को आप ट्रेन करवा दीजिए आप लोग को ज़्यादा पता है कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है तो हमारी आर्मी को हमारी सेना को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए यही वो आदमी था जिसने जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश किया फ़्रांसीों के लिए ठीक है लिबर्टी वाला जो ट्री है वो भी इस्टेब्लिश किया इन लोगों के लिए बात आई आप लोगों को समझ में क्लियर हुआ पॉइंट तो पहली बार जो कह सकते हो कि रॉकेट का इस्तेमाल करना पहली बार वॉरफेयर में तो इसने किया था ये देखिएगा रॉकेट सिद्ध नहीं थे और ब्रिटिश सैनिकों के रूप में ही इन्होंने अपने ही कई सैनिकों को मार डाला था क्योंकि क्या था रॉकेट का इस्तेमाल तो इन्होंने कर लिया युद्ध में इन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल कर लिया लेकिन कह सकते तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ देखो मैकेनिज्म डेवलप होने में टाइम लगता है। वो टाइम पीरियड अलग था रॉकेट का इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन जब रॉकेट मारना था तो वो क्या हो गया ब्रिटिश सैनिकों को मारने के बजाय इनके ही कई सैनिकों को मार डाला और उसके बाद इन्होंने बोला कि बाबा अब रॉकेट हमको इस्तेमाल नहीं करना वो काम जो बैकफायर कर जा रहा हो मेरे ही ऊपर उस काम को ना ही करने भलाई है फिर 1790 में फ्रांसिस क्रांति के कुछ समय बाद आपको अगर याद होगा 1790 में जब फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी तो यूरोपियन लोगों के द्वारा युद्ध में रॉकेट इस्तेमाल किए जाने से पहले के बारे में बात कर रहे हैं अपन ठीक है यस एंग्लो माइसूरूर वेरी वेरी वन आपको बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है कब साइन किया गया चलिए आ जाइए हिस्ट्री के ऊपर गांधी इरविन पैक्ट जो साइन किया, किया गया है ये कब साइन किया गया है फटाफट से अच्छा गांधी इरविन पैक्ट से तो चलो ठीक है जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भगत सिंह की मौत कब हुई थी भगत सिंह को फांसी पर कब चढ़ाया गया था जल्दी से वो कमेंट सेक्शन में ईयर बताओ फटाफट से दो मिनट के अंदर अंदर जल्दी से ए कोई शायरी नहीं मारेगा क्लास में ध्यान दो अब भैया इरविन कौन थे भैया अंग्रेजों के साइड से थे मैम जाहिर सी बात है है ना तत्कालीन वॉइस रॉय हुआ करते थे अरे मैम वॉइस रॉय अरे वही गवर्नर जनरल ठीक है पहले गवर्नर ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन द वॉइस रॉय मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है किसी का भी वैसे सब इसका जवाब देने में लगे हुए हैं गांधी इरविन पैक्ट का मुझे भी पता है पांच मार्च नाइनटीन थर्टी वन है ना जो मैं पूछ उसका जवाब दीजिए फिर मैं आपको कुछ चीज़ें आप लोगों में बताती हूँ मैं भगत सिंह को कैसे जानती हूँ हाँ सही सही सवाल है तुम गांधी को कैसे जानते हो गांधी को कैसे जानते हो, कैसे जानते हो? जरा बता हा? गांधी इरविन पैक्ट पाँच मार्च 1931 ठीक है तेईस मार्च 1931 मैंने क्यों डेट पूछा समझ में आया किसी को समझ में आया कि मैंने आप लोगों से डेट क्यों पूछा था भगत सिंह की फांसी के बारे में मैंने क्यों सवाल उठाए अभी यहाँ पे गांधी इरविन जब समझौता हो रहा था तो कई मुद्दों पे समझौता हो रहा था जिसकी वजह से इनके जो कुछ चल रहे आंदोलन थे उसको भी वापस लेने की बात करी गई उसके साथ ही बहुत सारे जो लोग युद्ध में या लड़ाई में क्रांतिकारी लड़ाई में जो इनके लोग थे गांधी जी के उनको छोड़ने की बात करी गई समझौते के ऊपर लेकिन उस टाइम पीरियड पर भगत सिंह के जी के बारे में नहीं कहा गया था जबकि अगर गांधी जी कहते तो ये छोड़ देते कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में कहा है कई इतिहासकारों ने इसके बारे में वर्णन किया है कि अगर गांधी जी चाहते इन्होंने अपना जोर नहीं लगाया लेकिन अगर ये गांधी चाहते तो इस दौरान पर क्या कर सकते थे भगत सिंह को फांसी ना दिला सकते थे वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे जब भगत सिंह को जब फांसी हो गई थी तो ये क्या कहते हो भी फांसी क्यों अरे उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक बम विस्फोट इसलिए किया था इसलिए वहाँ पर तबाही करी थी जो भी उन्होंने किया था इसलिए कि दुनिया तक संदेश पहुँच सके कि भारत में क्या हो रहा है अगर हम एक इंपॉर्टेंट जगह पे कुछ ऐसा करेंगे तो दुनिया तक संदेश पहुँचेगी कि क्या हो रहा है दुनिया इंडिया पे क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ट्रेड नहीं कर रहे जो चार्टर लेके आए थे ना ये 1599 में इंडिया आए थे सोलह सौ में चार्टर लेके एंट्री मारे थे इंडिया में मसूरी पटना में रानी से जहांगीर गिर के टाइम पीरियड पर के चार्टर को उस चार्टर को बढ़ा दिया गया था तो आखिर इंडिया में हम पे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि हम पे जुल्म भी कर रहे हैं क्योंकि लोग तो अपने आप को अच्छा बना के रखते थे इंडिया में अपना किसी और प्रकार का इमेज बना के रखते थे तो गांधी जी ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की भगत सिंह को बचाने की इनका कहना था क्यों क्योंकि ये इनके विचार से अलग थे आई डोंट अंडरस्टैंड दो तीन चीज़ों में देखिए मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं बस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दो तीन चीज़ें अगर मैं कहूँ कि जो आपकी सोच से परे हैं अब क्या जो मुझसे अलग सोचता है क्या वो गलत है नहीं गलत है हर किसी की अपनी सोच है हर किसी कोई देखो तुम्हारा एक तरीका हो सकता है काम ना करे राइट हम जो तो ताला खोलने की कोशिश करते हैं और ताले में जब चाबी अटक जाती है तो हमें पता है कि ताले की चाबी भैया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे घूमना हमें पता है कि अच्छा भैया है, राइट हैंड साइड पर घुमाएंगे तो ताला खुलेगा लेकिन अपन घरों वापस से ट्राई करते हैं एक बार राइट घुमाते हैं बार लेफ्ट करते हैं राइट कोशिश करते हैं कि, कि किसी तरीके से ताला खुल जाए हम पर ट्राई करें पता है अपन को कि इस रास्ते से ताला खुलेगा लेकिन जब नहीं खुल रहा होता उस रास्ते से ताला तो अपन और रास्ते ट्राई करते हैं ताले के खोलने के लिए एक्जैक्टली exactly, अगर आपका इस भावना से चल रहा था कि भैया मेरे को अहिंसा से आज़ादी प्राप्त करनी सिर्फ अहिंसा से आज़ादी प्राप्त नहीं हुई है भगत सिंह के बारे में इन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं भगत से मिलता आखिरी वक्त में तो मैं उसे जरूर ये बात कहता कि तुमने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है इस रास्ते से कभी आजादी नहीं मिल सकती है ये बात इन्होंने कही थी इनके द्वारा कहा गया था सिमिलरली सुभाष चंद्र बोस के साथ भी सेम काम हुआ आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ादी मिलना छोड़ो बॉस जब आईएनसी की मीटिंग चल रही थी जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया सर्वसम्मति से जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया तब दिक्कत आ गई क्योंकि वो पत्ता भाई सीतारामैया के अगेंस्ट में थे पत्ता भाई सीतारामैया कौन थे गांधी जी के कैंडिडेट थे खड़े तो उसके अगेंस्ट में खड़े थे वहाँ पर भी दिक्कत आ गई उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी मिलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को छुपना पड़ा क्यों नहीं वो अपने देश में जिस देश के लिए वो लड़ाई लड़े थे इतनी क्यों नहीं वो इस देश में आ पाए क्यों नहीं उस देश में लोगों के सामने आके वो भी उनका भी तो हक था ना भाई वो इज्जत इंजॉय करना वो इज्जत लेना कौन नहीं चाहता है चलिए बताएंगे बाबा पानी पी लू <laughs> अगला सवाल आपको पता है हमारा फ्लैग जो है इकलौता एक ही ऐसा जगह है जिसे लाइसेंस प्राप्त है जो फ्लैग का जो हमारा ध्वज बनता है जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है हमारा उसका प्रोडक्शन कर सकता है एक ही जगह है जिसको प्राप्त है और ये स्थित है कहाँ पे कर्नाटका में कहा स्थित है कर्नाटका में लाइसेंस प्राप्त है बताएंगे भगवान जल्दी से चलिए बताएंगे जुजू लोग यहाँ पे हुबली कह रहे हैं कई लोग वेरी वेरी गुड जिनका कहाँ पे जब मैंने पहले आपको बताया कर्नाटक का तो आप लोगों को पहले ही समझ आना चाहिए था एक प्रॉपर आपका क्या है ध्वज के हिसाब से एक प्रॉपर ये प्राप्त लाइसेंस इसको मिला गया है अगला सवाल पे अटेंशन गाइस फॉरवर्ड पॉलिसी अच्छा पहले पूरे सुनो एक गवर्नर जनरल आया इंडिया में ठीक है एक गवर्नर जनरल इंडिया में आता है और उसने क्या किया फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफग़ानिस्तान अपनाया मुझे देखो क्या याद आता है मैं अब देखो अब जाहिर सी बात है आप भी इंडियन है भैया हम भी इंडियन है तो हम हमेशा इंडियन को ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ें याद रखेंगे आपको याद है महाराणा महेंद्र प्रताप के बारे में अरे हाँ वही आदमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन जिन्होंने दी थी मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन की ज़मीन जिन्होंने दी थी मौलाना मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज वो नाम हुआ करता था पहले उसका जिसे सर सैयद ने खोला था बाद में उसी कॉलेज का नाम आगे चल के क्या पड़ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया हाँ वही महाराणा महेंद्र प्रताप जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान में जाके भारत के लिए सरकार बना के रख दी थी भारत के लिए उन्होंने सरकार बना के रख दी थी पूरे काबुल में भारत के लिए सरकार बना के एड तरीके से रख दी थी खैर अभी फिलहाल यहाँ आ जाओ गवर्नर जनरल के ऊपर आ जाओ इसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी किसके तहत अफगानिस्तान के तहत डफरीन था वो मायो एलगिन या एलनबर्ग जल्दी से गाइस लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस चैट सेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ना इस चैट सेक्शन में प्रॉब्लम है मुझे बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है अदरवाइज ओके एलन एलनबर्ग एलनबर्ग एलन वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड ध्यान दीजिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं एलनबर्ग के बारे में चलो एक एक बात करते हैं तो एक ये क्या लगता है एल्गिन मैम इसका नाम था क्या मैम ये कैसा नाम है एलनबर्ग ऑकलैंड एलगिन कैसा नाम है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये नाम इनके असली नाम नहीं है बल्कि ये इनके टाइटल्स हैं ये इनके क्या हैं ये इनके टाइटल्स हैं है। है। जैसे देखो एक होता है किंग ये पूरी संरचना होती है किंग होता है जो राजा होगा किंग के बाद कौन होता है प्रिंस जो राजकुमार होगा राइट शहजादा जो गद्दी पे बैठेगा बाद में तो क्या राजा और एक ही शहजादा होता है जो उत्तराधिकारी होगा नहीं भैया राजा के तो और भी बेटे हो सकते हैं चार पांच बेटे हो सकते हैं तो उनको क्या बुलाएंगे एक तो भैया राज गद्दी पर बैठेगा उत्तराधिकारी हो गया तो बाकी राजाओं को क्या बाकी प्रिंसेस को क्या बुलाते हैं उनको बुलाते थे ड्यूक ठीक है ये हो गया जो बाकी इनके बच्चे हैं उनका नाम क्या रखा गया ड्यूक रखा गया अच्छा मैम जो बहुत अच्छा काम करता था उसको तो क्या बोलते थे जो मतलब इनके राजपाठे मदद कर दे मतलब इनकी समृद्धि को आगे बढ़ाने में एकदम धूम धड़ा करके इनकी समृद्धि को बढ़ा दे अंग्रेजों की समृद्धि को बढ़ा दे तो क्या बोलते थे उसको ये लोग उपाधि देते थे मार्क्वेस की क्या उपाधि देते थे मार्क्वेस ये क्यू है ठीक है मार्क्वस की उपाधि देते थे एम ए आर की यू आई एस मार्क्वस की उपाधि देते थे और उसके बाद उपाधि किसकी मिलती थी Earl की उपाधि मिलती थी आपने अगर बहुत अच्छा काम किया है कहीं पे तो अर्ल की उपाधि मिलती थी अब समझो ये जितने भी लोग थे ये अर्ल हुआ करते थे मार्क्वस एक बना था वो था कौन डलहाउजी ठीक है बाकी सारे अर्ल थे मतलब अरे बाबा सूबेदार होता है ना एक इलाके को संभालता है तो जैसे मैंने बोला कि तुम बनारस को बहुत अच्छा तुम्हारा नाम बनारस से हिंद है अब तुम अपने इतिहास में अब बाकी लोगों को तो नहीं पता कि इंडिया बनारस नाम कोई जगह होगा है, राइट अब तो सबको पता है पहले मान लो अगर नहीं पता है तो लोग क्या बोलते हैं अच्छा इसका नाम है बनारस से हिंद ए बनारस से हिंदर आइए अच्छा तुमने भैया बहुत अच्छे संभाला कानपुर को आज तुम्हारा नाम है कनपुरिया अच्छा, ठीक है उसका नाम कनपुर गुरिया चला आ रहा है जो नाम लिया जा रहा है तो एक्टली exactly ये संरचना थी जो अर्ल होते थे ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर के पर्टिकुलर जगह जगह के देख रेख करते थे और उस जगह को बढ़ाने में जब उन्होंने बहुत एक्सेल साबित कर दिया कि हमने उस जगह ग्रोथ बहुत बढ़ा दिया उस जगह का ग्रोथ और हमने उस जगह को कहां से कहा लेके रख दिया मतलब कह लो कि एक रिमार्केबल जर्नी उन्होंने अपनी स्टैब्लिश कर दी हो उस एक पर्टिकुलर जगह से तब इनको नाम दिया जाता था जैसे ऑकलैंड तो ऑकलैंड की जगह वो सूबेदार था समझ लो जिसने ऑकलैंड को बहुत ऊपर बढ़ा दिया एलनबर्ग एलगेन तो ये सारे नाम उनके इसी लिए थे बात आई समझ में ग्रेट आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा अमीर अफगान अफगानिस्तान जो थे वेन वॉज डेमोक्रेटेड जब दुर डाइन को डेमोक्रेटेड किया गया था तो अफगानिस्तान के अमीर कौन थे जल्दी से बताइएगा के बारे में बात कर रही हूँ गलत 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 1892 टू के बारे में बात कर रही हूँ जब ये किया जा रहा था तो कौन था अब्दुल रहमान जो था उसे बुलाते थे इस नाम से नेक्स्ट वन पे अटेंशन कोहनू डायमंड है ये प्रॉबेबली किस माइंड से निकाला गया था आप इसके बारे में बात करते हैं बात क्या करते हैं जानते हैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि कोहिनूर डायमंड की जो उत्पत्ति हुई थी वही कोहिनूर डायमंड जिसको नादिर शाह यहाँ से लेके चला गया था क्या लेके चला गया था नादिर शाह पूरा का पूरा पिकअप थ्रोन के साथ यहाँ से लेके चला गया था अरे मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ कुछ कुछ लोग इतने कतई नालायक होते हैं और मुझे भी मैं भी छोड़ती नहीं हूँ किसी को मेरा वो आदत बड़ा ख़राब है लेकिन फिर मैं क्या ही बताऊँ मैं अच्छी है मैंने एक बार मैं नादिर शाह के बारे में बता रही थी इसी अब इसी प्लेटफॉर्म पर किसी क्लास में नादिर शाह के बारे में तो मैंने कमेंट सेक्शन में चेक किया किसी ने लिखा था इनको कोहनूर के बारे में नादिर शाह बता के गया था कि मैं लिया था तो उस हिसाब से तो पूरा का पूरा हिस्ट्री मतलब तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए तुमको तो तुमको भी कैसे पता कि तुम पापा में क्यों औलाद हो तुमको पापा ने बताए थे कि उनकी औलाद तभी ना मान रहे हो तुमको याद है मतलब हिस्ट्री को गलत करने वाले लोग कई लोग सामने आ जाते हैं कि ये जो हिस्ट्री लिखी गई है गलत लिखी गई है वाह बेटा वाह पढ़ो एक लाइन ना जानो एक लाइन ना वाला हरकत है बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारे बेटे हैं प्यार से सुनो मेरे ध्यान को नादिर शाह जो है ये क्या किया था ये आया इंडे से पूरा पूरा पिकोक थ्रू यहाँ से इंडे से उठा के लेकर चला गया ये पूरा का पूरा क्योंकि इससे लूटपट मचाया हर घर से लूटपट मचाया बिखारियों की तरह जाते जाते भी रो रहा था कि यार मेरे पास काश और हाथी घोड़े होते तो काश मैं इंडिया से और ज्यादा मैं धन लेके मैं जा पाता ये एक बात हो गई क्लियर तरीके से अब समझो मेरी बातों को तो ये कहा गया कि कोहिनूर का एक जुड़वा भाई भी था जुड़वा भी था दरियाए नूर जिसका नाम क्या था दरिया इनून। खनन के द्वारा यह भी पाया गया था और खनन का जगह जो माना जाता है वो आंध्र प्रदेश माना जाता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी और आंध्र प्रदेश में जगह कौन सी है गोलकुंडा कौन सी जगह गोलकुंडा थैंक यू दलजीत बात आई समझ में ये पॉइंट क्लियर हुआ कोहिनूर का भाई एक और माना गया जो जुड़वा माना गया जो कोहिनूर की तरह ही था वो कौन सा था नूर। अरे मैडम नूर। मैडम नूर आपसे पढ़ के तो पहली बार पेपर फोड़ देंगे होना भी चाहिए बेटा ऐसे ही होना चाहिए बात आई समझ में ये पॉइंट क्लियर हुआ नूर और कोहिनूर और कहा से आंध्र प्रदेश इसका 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 उत्पत्ति हुई थी वहीं पर खनन के दौरान ये मिला था आगे बढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है आ, 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 साइन की गई थी किस एंग्लो मायसूर वॉर के बाद देखो भाई एंग्लो मायसूर वॉर पूछ रहा है फर्स्ट एंग्लो मायसूर वॉर सेकंड एंग्लो मायसूर वॉर क्लाइव इनके बच्चों को भी उठा के लेके चला गया था इनके बच्चों को उठा के आपके इसको टीपू सुल्तान जी के बच्चों को भी उठा के लेके चला गया था क्लाइव क्यों उठा के लेके चला गया था बताओ क्योंकि भैया ये बार बार उनके ऊपर अटैक ना करे अंग्रेज असल में इनसे डरे हुए थे अंग्रेज क्या थे अंग्रेज असल में इनसे डरे हुए थे टीपू सुल्तान से और इससे ज्यादा डरे हुए थे कि बाबा ये तो शांत बैठने वाला आदमी है नहीं बाकी लोग को तो फिर भी हमने शांत कर दिया है लेकिन ये जो आदमी है ये क्या है ये शांत बैठने वाला आदमी नहीं है अब ध्यान दोगे 18 मार्च 1792, 18 मार्च 1792 मैंने आपको जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है तो मैंने आपको कुछ ट्रीटियां बताई कि बेटा ये सारी ट्रीटी जो है आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो रही है जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में जब आप बात करते हैं जब श्रीरंगपट्टनम के बारे में आप बात करते हैं राइट तो ये आपको याद रखना होता है तो अंग्रेज भी इनके पीछा नहीं छोड़ रहे थे अंग्रेज कह रहे थे यार ये बंदा मान नहीं रहा है चलो ठीक है अब इसको कुछ भी करके हम क्या करेंगे मनाएंगे मैं तुमको एक बात बताऊ कितने बेवकूफ बन गए थे हमारे यहाँ के लोग कितने बड़े बेवकूफ थे तुम सोचो इन्होंने बाहर वालों से मदद मांगी थी नपोलियन इनकी मदद करने के लिए आ रहा था लेकिन हमारी जगह में दो लोगों को इन्होंने मना रखा था किसने अंग्रेजों ने दो लोगों को मनाया था किसको किसको एक तो निज़ाम को और एक मराठा को पता इनको क्या लालच दिया था इनको ये लालच दिया था कि अगर तुम हराने में हमारी मदद करते हो अगर तुम हमारी मदद करते हो टीपू सुल्तान के खिलाफ तो हम तुम मैसूर का जो एरिया है ये जो टीपू सुल्तान का जो एरिया है इसको हम हरा देंगे जान से मार देंगे और फिर उसके बाद वो एरिया हम तुम दोनों में बांट देंगे वो पूरा एरिया पर राज तुम्हारा हो जाएगा पेंशन भी लोगे और राज भी करोगे और जब इनको मार दिया गया जब इनको बैटल में जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद अंग्रेजों ने ना निज़ाम को कुछ दिया और ना ही मराठाओं को कुछ दिया और एक बात भी कही कि हिंदी भाषा में अगर समझो तो क्या था सांप भी मर गए और लाठी भी ना टूटा कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या किया मान लो ये एरिया है जो पूरा मैसूर है ठीक है तो इसमें इन्होंने क्या करेंगे ये एक सेकेंड दो यहां का जो एरिया है ठीक है ये दे दिया हल्का सा मराठाओं को और हल्का सा यहाँ का एरिया जो है ये दे दिया निज़ामों को और ये पूरा का पूरा एरिया जो है पूरा एरिया जो है ये ब्रिटिशर्स ने रख लिया तुम समझे हमने तुमको कुछ दिया भी नहीं और हमने तुमसे वादे करके क्या करवा लिया तुम्हारे अपने ही आदमी को हरवा भी दिया ये असल में होता है जिंदगी में हमारे साथ यही तो होता है क्या बोला कि तुमसे इसने हरा भी दिया और उसके बाद तुम्हें कुछ दिया भी नहीं तो ये कौन सा था ये थर्ड एंग्लो मायसूर वॉर था ध्यान रखिएगा ये कौन सा था बेटा थर्ड एंग्लो मायसूर वॉर था ये ठीक है अब इस माइसूर वॉर के तहत क्या हुआ था आओ उसके बारे में जानते हैं यहाँ आधा क्षेत्र दिया जो कि कतई गलत है आधा क्षेत्र बोलने के लिए था लेकिन कुछ आधा क्षेत्र नहीं था इन लोगों ने वॉर इंडेमिनिटी ली थी क्या ली थी वॉर इंडेमिनिटी एक तो युद्ध खत्म भी करवा दिया वॉर इंडेमिनिटी वॉर एंड क्या होता था मैंने आपको वापस बता रही हूँ मैं आप लोगों को वापस मैंने बताया है कि हम आपके यहाँ आएंगे युद्ध लड़ने के लिए आपको परेशान करेंगे और आपसे हम मुआवजे के रूप में पैसे लेंगे कि हम तुम्हारे आए हम इतना कष्ट करके तुम्हारे यहाँ आए बताओ हमने तुम पे अटैक किया हमने तुमको परेशान किया अब एक काम करो अब तुम हमको वॉर दो तीन करोड़ तीस लाख रुपये लिया वॉर राइट और बाकी इनके दोनों पुत्रों को तो पहले से ले जाके रखी हुई थी अंग्रेज ताकि ये वापस से इनके ऊपर हमला ना करें तो ट्रीटी कम प्रेशर ज्यादा था ये ट्रीटी कम थी ये प्रेशर ज्यादा था तुम अगर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उठा के देख लोगे तुम देखोगे अंग्रेजों ने दो तरीके से ही तो कब्जा किया है दिमाग से पहली चीज उन्होंने कब्जा किया कैसा दिमाग से छल करते थे ये अब जिसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया इसने जो उनका सेना का जो कमांडर इन चीफ था जो सेना का जो कमांडर था उसको अपने साइड पे मिला मिला लिया मीर जाफर को गद्दारी करवा दी लड़ाई लड़ी कहाँ उसने बंगाल के शासक से लड़ाई कहाँ लड़ी उसने वो तो भैया पूरा अकेला हो गया सराज उद्दौला तो उसकी आर्मी चलते चलते बाटल के टाइम पीरियड पर चली गई उधर उठ के उसके अपने आदमी वहां चले गए तो लड़ाई कहाँ लड़ी गई लड़ाई तो हुई नहीं फिर ट्रीटीज हो गई जितने भी इसने जीते वो और जीते भैया वो और अगर ड्रॉ हो रहा मैच ड्रॉ मैच ड्रॉ तो एक ट्रीटी कर लो कुछ इस तरीके से या परेशान करते रहते थे हमेशा खैर ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा कमांडर इन चीफ था इंडिया का 1909, 1902 और 1909 के बीच में जिसने बहुत ही बड़े स्तर पे बदलाव लेके आए थे लार्ज स्तर पे ये रिफॉर्म लेके आए थे और दूसरी चीज़ क्या थी ये ग्रेटेस्ट मर्जर था पहली बार तीनों आर्मी का तीनों आर्मी तीनों प्रेसिडेंसीज आर्मी का मर्जर था मैम बोले तो मैम क्या था इनकी तीन प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी जहाँ से ये कंट्रोल किया करते थे। तीन प्रेसिडेंसी होती थी इनकी जहाँ से ये कंट्रोल किया करते थे बंगाल बॉम्बे और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी से ये अपनी जगह के ऊपर क्या करते थे पूरा कह लो वो संभाले रखना आ, अब क्यों मैम यहाँ से क्यों उसमें सबसे अमीर सूबा जो था सबसे अमीर सूबा जो था वो कौन सा था आपको याद है औरंगजेब की मौत के बाद क्या हुआ जब औरंगजेब की मौत हुई तो मुगल का डिक्लाइन शुरू हुआ कुली खान जो था कुली खान वो पहला सूबेदार बनता है पहला शासक बनता है बंगाल का जो कि सूबेदार था असल में तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने क्या किया वो सूबेदार था वो बैठ गया वहां पे उसकी जगह पे यार क्या लग रहा है ठीक है वो क्या किया वो सूबेदार बने कुली खान बैठा उसके बाद कई शासक आए और आते आते अलवर्दी खान फिर बना वहां का शासक अलवर्दी खान के बाद कौन बना सराज दौला बना फिर वहां से इन लोगों ने टेक ओवर किया क्यों द रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि बंगाल का जो सूबा था पहले सूबे बोलते थे याद रखिएगा पहले सूबे बोलते थे इसको जगह को सूबे बोलते थे कोई सिटी नहीं हुआ करती थी पहले कोई राज्य नहीं हुआ करता था पहले सूबा हुआ करता था तो बंगाल सूबा जो था सबसे ज्यादा समृद्ध सूबा था सबसे ज्यादा अमीर सूबा था अब तुम समझो कैसे अमीर सूबा था इसके पास सब कुछ था एवरीथिंग वॉज देयर मैं उस बंगाल की बात कर रही हूं जहां बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों मिक्स थे अब तुम सोचो कि जिसके पास मिनरल्स भी है पानी भी है पहाड़ भी है और एग्रीकल्चर भी है हर चीज़ से समृद्ध है ये तीनों का तीनों जगह अगर तुम मिला दोगे तीनों जगह को तो ये तीनों जगह क्या है आपस में हर चीज़ से समृद्ध है और कितने अच्छे अच्छे लोगों का कॉम्बिनेशन है तुम सोच रहे हो बंगाली थोड़े सॉफ्ट हुआ करते हैं बिहारी बहुत एग्रेसिव हुआ करते हैं ठीक है उड़िया बड़े चालाक हुआ करते हैं राइट तो कितना अच्छे से वो कॉम्बिनेशन है कि जो कॉम्बिनेशन कोई भी चीज ऐसे नहीं चलती है ना के साथ चलती है राइट तो हमने क्या बताया आपको कि क्या जरूरी है इसके लिए तो इन लोगों ने सबसे पहला जो राज किया वो किस पे किया सबसे पहले इन लोगों ने हथियारा जो था वो किसको शुरू किया बंगाल को एंड दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि इन लोगों ने कलकत्ता को क्यों कैपिटल बनाया व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट क्यों बनाया कलकत्ता को कैपिटल क्योंकि मेन रेवेन्यू जनरेशन इनका यहाँ था अब दूसरी बात पर ध्यान दो कि मैम इन लोगों ने अपना बिजनेस जो शुरू किया वो इन तीन जगह से ही बिजनेस अपना क्यों शुरू किया तीनों के पास पानी है पोर्ट है जहां से एक्सपोर्ट और हो सकता है जॉन मिडल हॉल जो कि पहली बार इंडिया आए थे जॉन मिडल हॉल जो कि 1599 में पहली बार इंडिया आए थे किस रूट से लैंड रूट से पहला यूरोपियन कह लो एक तरीके से जो पहली बार लैंड के रास्ते से आया था जब जब आ, उसको लगा यहां ट्रेडिंग भैया बहुत अच्छे से पॉसिबल है कुछ समझ में आ रहा है लेकिन ये एक बार आ गया लैंड रूट से लेकिन जब सामान भिजवाना होगा लाना होगा तो कम खर्चे में कम तरीके से कहां से था पहले मेन ट्रेडिंग पॉइंट क्या था पानी राइट मैम बंगाल में रविंद्राथ टैगोर फेमस है बेटा बंगाल में सुभाष चंद्र बोस भी फेमस है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो अब तुम समझो इस पूरी बातों को वार्तालाप को इसने क्या किया अब इन लोगों ने शुरू किया कि भैया जो सामान का आना जाना जो हम शुरू करवाएंगे जो सामान का इंपोर्ट होगा जो एक्सपोर्ट होगा जो हम करवाना जो शुरू करेंगे वो कैसे करेंगे वो तो सी के रास्ते से होगा अब सी चाहिए समुद्र चाहिए उसी के पास अपनी प्रेसिडेंसी बनाएंगे ना बाबा राइट right? तो ये इनका पूरा का पूरा मकसद था अब देखो धीरे धीरे ये लोग इंडिया में रह रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओगे विधान परिषद हम बनाएंगे हम वाइस रॉय को ऑफिस बनाएंगे किचनर जो था किचनर खिचनर वॉट कुछ भी बुला दो इसको, इन लोगों का नाम इतना अजीब रहता है कि मेरे को आज तक नहीं समझ में आया है ठीक है तो ये जो कैचनर जो था इसने क्या किया एक सबको एक जुट करने के लिए तीनों आर्मी को मर्जर कर दिया था एक यूनिफाइड फोर्स में इनको ताकतवर बनना था तुम देखो मैं सेकंड फेज के बारे में बात कर रही हूँ आप जो ये टाइम पीरियड पढ़ रहे हो पे अटेंशन गाइस ये जो आप टाइम पीरियड पढ़ रहे हो 1902 से लेके 1909 आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड फेज सेकंड फेज मतलब देखो फर्स्ट फेज कौन सा था फर्स्ट फेज वाज कंपनी रूल पूरी तरीके समझो चीजों को फर्स्ट फेज वॉज वॉट कंपनी रूल 1773 से लेके 1857 तक कब से 1773 से लेके अच्छा वहां तो दिख नहीं रहा है 1773 से लेके 1857 तक सेकेंड फेज किसका था सेकेंड फेज किसका था सेकेंड फेज था क्राउन रूल क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक ठीक है तो ये जो यूनिफिकेशन चल रहा है ये जो सेना को जोड़ने का काम चल रहा, है, ये सेकंड में चल रहा है काम जब ये लोग सुधार कर रहे थे जब ये लोग अपने काम में क्या कर रहे थे सुधार कर रहे थे एक प्रॉपर तरीके से तब ये काम चल रहा था बात आई समझ में क्लियर हुआ ये पॉइंट समझ में आया तो यूनिफाइड था फोर्सेस उनको स्ट्रॉन्ग करना था अपनी जगह को और क्या करना था अपनी जगह को इनको स्ट्रॉन्ग करना था कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जगह को स्ट्रॉन्ग करें लोगों के बीच में क्लियर समझ में आया सभी को कोई डाउट बेटा आप लोग सर्च कर सकते दिब्बा त्रिपाठी मैम टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिए आप लोग को आईडी मिल जाएगी आप लोग की आईडी बन चुकी है पार्टी मैम टेक्स्ट बुक दिव्या सर्च कर लीजिए आप लोग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे अटेंशन विच द फॉलोइंग इज अ लीडर ऑफ चाइना सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रेवोल्यूशन ध्यान दी चाइना का अगर मैं सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम के लीडर्स के बारे में अगर बात करूं तो इनमें से कौन सा इनका लीडर था आप लोगों को सबको पता है कि ये जो कम्युनिज्म की जो शुरुआत हुई है कहाँ से शुरुआत हुई है चलो फॉरगेट ऑल दो दीज थिंग्स सब भूल जाओ जो भी अभी लिखा है सब भूल जाओ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इतना मुझे बताओ कि जो कम्युनिज्म की जो शुरुआत हुई है जो कि स्कूल के टीचर हुआ करते थे और कैसे असल में देखो तो कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी रशिया वाले कम्युनिज्म से ही हुई थी है ना जो रशिया वाला था वही लोग आए थे अपनी चीज को बढ़ावा देने के लिए लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी माओ उडोंग से कहाँ से वेरी गुड माओ उडोंग इनकी कहानी में तुम लोग कहीं बताऊंगी प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से पहला प्रमाण लाया गया था पहला संकल्प पत्र लाया गया था वो संकल्प पत्र कैसे लेके आया गया था माओ जुडम किस तरीके से रशिया वालों ने पहले अपने भेजा था अपना कम्युनिज़्म का प्रचार करने के लिए किस तरीके से फिर पार्टी बनी थी कैसे गुफा में बैठे बैठे जुलाई के टाइम पीरियड पर कैसे सौ साल उसके पूरे हुए राइट कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स इसके पास गया था कि भैया अब तो अपना सालगिरह मना लो सौ साल वाला तो बोले अच्छा हमारा सालगिरह कब हुआ हमारा वाला राइट right, चलिए मैं मुस्कुरा के ही पढ़ाती हूँ ना ना लूम जो है सेंट्रल टेक्नोलॉजी इनोवेशन से किस एरा का बताएंगे लूम जल्दी 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 फटाफट से सल्तनत 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 एरा लूम जो है कपड़ा विकास की तकनीक हुआ करती थी था कपड़ा विकास की तकनीक हुआ करती थी तो और ईरानी हल्का वो ईरानी मिक्स तकनीक थी किस टाइम पीरियड सल्तनत एरा के बारे में बात कर रही हूँ देखो तो मैंने पे लिखा हुआ भी होगा हाँ ईरानी और क्या बोलते हैं इसमें मध्य एशियाई डिज़ाइन भी शामिल किए गए थे तो काफ़ी कलाई बुनाई ये सारी चीजें चला करती थी जैसे कि आज जो कहते हो ना चिकन का कपड़ा चिकन का कपड़ा कहते हैं ना लोग कि लखनऊ में चलता है चिकनकारी उसको शुरू किसने किया था चिकन के कपड़े को नूर जहाँ ने कहते हैं कि नूर जहाँ ने उस कला को जो शुरू किया था कि बिल्कुल ही पतले सूती कपड़े के ऊपर सफ़ेद सूती कपड़े के ऊपर फाइन थ्रेड से डिज़ाइन काढ़ना जिसे चिकनकारी बुलाते हैं वो शुरू ही किया गया था न्यूर जहां के द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बताना मनसबदारी सिस्टम जो है ये कब किसने शुरू करी थी जल्दी से <laughs> मैं कोई छोटी बहन भी क्या मैं एमटीएस में लगने वाला हूँ नहीं बेटा कोई छोटी बहन नहीं है मैं अकेली बहन हूं ध्यान दीजिएगा सोचो ना अगले बताइए मनसबदारी किसने शुरू करी थी मनसबदारी का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अकबर ने क्या किया था अपना कोर्ट बनाया था उस कोट में अपना ये नवरत्न रखता था नवरत्न कोरमा नहीं वेजिटेरियन लोगों हम बात कर रहे हैं इनके जेम के बारे में नवरत्न यानी रत्न मानते थे इनके दरबार के उनको ये रखता था किसके बारे में बात करें अकबर के बारे में आ, डिसाइड करना कि धार्मिक कार्य कौन देखेगा डिपार्टमेंट्स बनाना डिपार्टमेंट्स भी किसने बनाए थे एक प्रॉपर तरीके से ये असल में इसको कॉपी कर रहा था यार सूरी 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 को कॉपी कर रहा था बेचारा अकबर बेचारा बचपन में राजा बन गया था वो भी तो समझो अकबर क्या हुआ था बचपन में राजा बन गया था पिता की मृत्यु हो गई भैया पिता तो ऐसे ही निकल लिए थे इनके तो बचपन में राजा बन गया पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था थोड़ा कॉपी ही करता और क्या ही करता वो भी तो बात है ना सही है कि नहीं तो कॉपी की बात थी और डिपार्टमेंट्स वाली चीज़ें भी यही लेके आया था तो मनसबदारी का मतलब तो कोई पद होता था कोई आधिकारिक पद जो होता था वो ये होता था मनसबदारी तो जब भी आपसे पूछेगा कि मनसबदारी तो कई लोगों के माइंड में तुरंत ख्याल आएगा सूबेदारी डोंट कन्फ्यूज मनसबदारी विथ सूबेदारी मनसबदारी क्या है ध्यान दीजिएगा मनसबदारी का मतलब होता है पद पोजीशन राइट right? वो पोजीशन जिसके हिसाब से कोई कार्यभार दिया जाए आपको संभालने के लिए और भैया सूबेदारी में क्या होता है सूबेदार होता है जो जगह को एक प्रॉपर तरीके से देखता है राइट right? उसका पोजीशन क्लैरिफाइड पोजीशन है आई यू आर गेटिंग माई पॉइंट उसका पोजीशन क्या है एक तरीके से फिक्स्ड पोजीशन है उसका इतना आपको समझ जाना है अब जहांगीर भैया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अगर जहांगीर भैया के बारे में थोड़ा सा जाने तो इनको कहा क्या गया था इनको बोला गया था और क्या नाम है इनका कि कुछ खास काम वम तो इन्होंने कुछ वैसा किया नहीं है जहांगीर जी ने लेकिन हाँ पेंटिंग कहते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग बहुत ध्यान दिया करते थे इनके गुरु भी थे एकवा रजा बोल के एक्वा मैन नहीं एक्वा मैन में लेकिन बड़ा मतलब वो एक्टर मुझे बहुत पसंद है गेम ऑफ थ्रोन से दैट खाल ड्रैगो देट मामा खैर नाम भी सही से नहीं बोलती हूँ उसका क्या ही पसंद है हटाओ नाम सही नहीं बोलने से ये मतलब नहीं होता है ऐसा कि तुम पसंद ना करो किसी को ओके तो क्या हमने कहा भैया कि जहांगीर जो है भैया ये लगे रहते थे अपने गुरुजी के साथ पेंटिंग वेंटिंग करने में शीर शाह सूरी ने बहुत काम किए हैं शीर शाह सूरी की वजह से इनके और इनके अब्बा जान की जो हालत है काफ़ी ख़राब हो रखी थी इन अकबर की हालत और इनके अब्बा जान की हालत बड़ी खराब हो रखी थी ठीक है अकबर से पहले की बात कर रहे हैं अकबर के टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर इनकी क्या ही हालत खराब हुई थी ही नहीं उस टाइम पीरियड पर ये बेचारे राइट तो कहाँ से इनके अब्बाजान की हालत जो थी अकबर के अब्बा जान की हालत वो शेर शाह की वैसे बड़ी खराब हो रखी थी और उससे पहले बाबर भैया की भी हालत खराब थी ठीक है बलबन कौन थे देखो तो बलबन इन सब के अब्बाजान थे क्यों अब्बा जान थे क्योंकि जो पहले आता है वो अब्बा होता है है ना तो बलबन जो है मुगल डायनेस्टी से पहले आए थे बलबन क्या थे बलबन कौन था बड़ा ही क्रूर शासक था बहुत ही क्रूअल शासक था रजिया सुल्ताना के बाद जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था देखो रज़िया सुल्ताना के बाद बहुत लोग बैठे थे इसका हाफ ब्रदर भी बैठा था ठीक है इसका रज़िया सुल्ताना का जो हाफ ब्रदर था ये भी बैठा था लेकिन कमज़ोर था लोगों ने उसको मार दिया था हाफ ब्रदर का मतलब क्या होता है लीगल टर्म में वी यूज टू से हाफ ब्रदर राइट हम लोग सौतेला नहीं बुलाते हैं हा ब्रदर बोलते हैं हा ब्रदर मतलब उसकी माँ एक हो फादर अलग हो या फादर एक हो माँ अलग हो ठीक है आधा खून आप इसको ऐसा बुला सकते सोताले सोतेला बुलाते हैं राइट लोग उसे तो हाफ ब्रदर जो था जो इनको मार वार के बैठता है गद्दी पे लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है क्योंकि कर्मा कहाँ जाएगा फिर आता है बलबन बलबन कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आता है जैसे पाबोश की नीति लाना सजदा की नीति लाना सजदा क्या होता है कि तुम आओ और आके मेरे सामने झुको सजदा करो अपना ग्रैटिट्यूड दिखाओ मेरी तरफ आके वो ये अपने आप को खुदा का ये पैग मानता था पैगंबर मानता था खुदा का भेजा हुआ दूत मानता था ये अपने आप को बलबन कहता था और इसने पाबोश की नीति अपनाई थी पाबोश की नीति क्या होता था पाँव को चूमना होता था झुकना और पाँव को चूमना इससे को होता नहीं कि रिस्पेक्ट देने का तरीका कि हाथों को आप चूमते हो रिस्पेक्ट देते हो दोनों आँखों के ऊपर लगाते हो ठीक है तो ये पाँव को चूमना जो टेंडेंसी थी वो इसने शुरू की थी एक नवरोज फेस्टिवल था नवरोज़ कौन सा एक पर्शियन फेस्टिवल है क्या नवरोज नवरोज जो है ध्यान दीजिएगा एक फारसी पर्शियन फेस्टिवल था जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? बलबन ने किया था लौह रक्त की नीति लौह रक्त की नीति बलबन ने किया था इसके दरबार में हंसना भी मना था कपिल शर्मा को भेज देते कपिल शर्मा है बोलते हा 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 ओके तो क्या बोला हमने भाई बलबन ने कुछ इसकी ये सारी कहानियां थी क्लियर आया समझ में चलो आगे आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड गाइस नेक्स्ट वन बोझे गजनावी के बारे में उसने इंडिया में क्यों अटैक किया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था अगेन मैं आप लोगों को क्यों बताया था क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से ये चीज पूछा गया है कि गजनावी जो इंडिया पे अटैक किया था ये असल में क्या मेन रीजन क्या था इसका मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में हजार पच्चीस सीई में इसने क्या किया था अटैक किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि इसको धन की आवश्यकता थी इसको धन की आवश्यकता थी फॉर एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड द रीजन बिहाइंड क्योंकि इसको मिडल एशिया में अपना एम्पायर स्टेब्लिश करना था एक सेकेंड दो मुझे सेकेंड वॉन्टेड टू स्टैब्लिश एम्पायर मिडिल एशिया मिडिल एशिया में इसको अपना साम्राज्य स्थापित करना था इस वजह से इसने अटैक किया था इंडिया पे और ये वही आदमी था जिसको मूर्ति भंजक का टाइटल मिला था यह वही आदमी था जिसको क्या टाइटल मिला था जिसको गजवाए गजवा ए हिंद का टाइटल मिला था गजवा, ए हिंद।, गजनी, गजवा ए हिंद जो काफिरों को मृत्यु के घाट उतारता हो जो जो इस्लाम धर्म को मना मानने पे जो किसको क्या वो करता हो मृत्यु के घाट उतार देता हो उसको मूर्तियां तोड़ना जहां जहां मंदिर देखता था वहां वहां तोड़ता था यार मेरे को आज तक नहीं समझ में आया किसने क्यों काटा तीस हजार हिंदुओं का गला काट दिया इसने मंदिर में किस बात का यार मतलब क्यों ओके okay. ओके okay. क्लियर बातें समझ में आ गई आप लोगों को मैंने क्या बोलाया कि एक ऑफिशियल तौर पे जिहाद का नारा ऑफिशियल तौर पे किसने दिया था बेटा ऑफिशियल तौर पे जिहाद का नारा बाबर ने दिया था लेकिन हरकती से हरकतों से और जेहाद के मोटिव से कौन चला था पहले सबसे पहली बार गजनी चला था इसका जिस तरीके का मोटिव रन कर रहा था वो कौन चला था गजनी चला था ठीक है बात आई समझ में गजवा हिंद के सिद्धांत के अनुसार जो काफिर है जैसे हिंदू हो गए जैन हो गए बुद्धिस्ट हो गए बौद्धों को मारना भी इसका एक अपना धर्म के तौर पे मानता था चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था चलिए गजनाविद सुल्तान मोहम्मद जो है इस्लामिक स्कॉलर किसके कंटेम्प्रेरी नहीं है मैंने पूछा है मतलब ये किसके समकालीन नहीं है शुक्रिया निशांत प्रधान ओके 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 एनी डाउट किसी को डाउट हो रहा है फिर फिरिस्ता फरिस्ता फिर राइट 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 राइट, राइट, राइट. तारीख बयानी लिखा गया था जो इसके टाइम पीरियड के बारे में जिक्र देता है जैसे तारीख बयानी वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो इसके टाइम पीरियड के बारे में जिक्र दिया जाता है कि किस तरीके से देखो हमें कैसे पता चलता है कि इन लोगों ने क्या क्या किया था लिखे हुए चीजों के द्वारा पता चलता है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वॉट वॉज अ नेम यूज फॉर मोहम्मद घोरी इन द कॉइंस स्टक एंड इशूड इन इंडिया आफ्टर हिज विक्ट्रीज अच्छा एक बात बताओ किसने सिक्कों पर लक्ष्मी मां की तस्वीर बनवाई थी सिक्के के एक साइड पर लक्ष्मी मां की तस्वीर बनवाई थी और दूसरे पे कलमा गुदवाया था जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से फटाफट भाई मेरे बच्चों का जवाब क्यों नहीं दिख रहा मुझे आंसर नहीं दिख रहा सबका कहां गए सारे आंसर कहां है देखो कई स्टोरीज बनी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर घौड़ी के ऊपर बहुत स्टोरीज बनी कहा है कि संयुक्त रूप से इसने सिक्का भी जारी किया था ऐसा भी कई लोगों ने कहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें सत्य नहीं है कई ने कहा कि इसकी घोड़ी की मृत्यु जो हुई है वो एक जाट के द्वारा हुई थी किसी एक जाट ने मार दिया था खोखर जाति के एक जाट ने घोड़ी को मार दिया था जाट का दिमाग सनका इसका आखिरी अभियान था जाटों के खिलाफ ये गया मार दिया मार के निकल दिया कुछ कहते पृथ्वीराज चौहान ने इसे मार दिया था ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ये मैंशन आउट की गई हैं आगे देखते हैं तजरा की तजी हुमायूं ठीक है ये किसके द्वारा लिखी गई है अरे बेटा जवाब दो बेटा मैम तब से कंटिन्यूअसली बोली जा रही हैं 1590 और इक्यावे के टाइम पीरियड पर कौन थे इनमें से बयाजिद बयात थे 1590 से लेके अगर मैं इक्यानवे के टाइम पीरियड के बारे में बोलूँ तो ये कौन थे नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन युद्ध अभ्यास जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन अभ्यास आपको पता है हमारी मिलिट्री टाइम टाइम पे क्या करती है बाबा टाइम टाइम पे एक दूसरे के साथ अभ्यास करती है कि क्या हम रेडी हैं या हम रेडी नहीं हैं अगला सवाल ध्यान दीजिएगा अब आइए थोड़ा सा हाँ इनमें से कौन एडिटर था बंगाल गैजेट का और कलकत्ता जनरल एडवाइज़र का जो कि पहला अंग्रेज़ी अखबार है एंड फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पहला पब्लिश किया हुआ छापा हुआ अखबार जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था अब आप बताइए कि इस अखबार के बंगाल गैजेट के और कलकत्ता जनरल का एडिटर कौन था कहते ना न्यूज़ में एडिटर बचपन में सुने हो ना एडिटर को ख़त लिखिए एडिटर को लेटर लिखिए लेटर लिखना सिखाते थे अंग्रेज़ी में इंग्लिश कौन पढ़ता था यार हम लोग आज भी याद है कि अपन ना मेरा मेरे को सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी होती थी, थी मेरे को वो मेरे को होती थी, थी मैथ्स में तो मैं मैथ्स का हमेशा मैं मैं कोचिंग लेती थी मैं मैथ्स का मैं ट्यूशन देती थी और बाकी दो एग्ज़ाम से पहले तीन एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट मैं बड़ा चिल डाउन होती थी तीन एग्जाम से पहले एक इंग्लिश और एक हिंदी ये तुम तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी भी अगर कोई अगर एक बार हमारे कोचिंग में स्टार्ट की गई थी कि इंग्लिश की भी कोचिंग शुरू होगी तो सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना होगा और फिर इस कोचिंग खत्म होगा अब इंग्लिश की क्लासेस कर लीजिएगा तो मैं ना बैग वाली निकल तो इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी हिंदी भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा भी ज़रूरत होता है लोगों को अरे यार करके मैं निकल जाती थी वहाँ से उसके बाद क्या आपका सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ जो आता था ये सारी एक चीज़ें क्या है ना जब सोशल स्टडीज़ वगैरह जो होती थी कि जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आएगा जितना पढ़ोगे और जानने में मजा आएगा तुमको अच्छा हिस्ट्री अच्छा ये हुआ था हिस्ट्री में अच्छा अभी तुमने इसे गजनावी के बारे में पढ़ा अब जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे गजनावी आया कहाँ से था आखिर कैसा भिखारी था कि इसको यहाँ आने की जरूरत पड़ पड़ी इसने इसके लोग कौन कौन से थे किस वंश से बिलोंग करता था तो ये इंटरेस्ट की बात है कि आपको किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आता रहता है मोहम्मद समद हो गया बेटा मोहम्मद समद वरदान लगता है मेरे को चैट स्लो आ रहे हैं आई गेस सो चलिए हिकी 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 वेरी वेरी गुड कौन है बाबा हिक्की जी हैं पहले ही आप लोगों को बताए थे इसके बारे में कि ये अगस्तस हिक्की जो है ये आपके एडिटर रहे थे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था इसको रिनेम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा और एक सेंट्रल कमिटी को फॉर्म किया गया अब आपको बताना है कि इस कमिटी में बिहार से कौन थे इस कमिटी में बिहार से कौन थे ध्यान दीजिएगा इसका नाम बदल दिया गया था तो हम बात कर रहे हैं कब के दौरान के बारे में 1928 के बारे में यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट वेन नाइनटीन अगर आपको याद हो तो पी घोष जो थे ये उसमें क्या थे इस कमेटी में मेम्बर थे बिहार के साइड से अगला सवाल ध्यान दीजिएगा रॉय कौन था उस टाइम पीरियड पर जब भैया रिवोल्ट हुआ था 1857 का इसीलिए गुस्से में इसने बोला कि हम बंटवारा कर रहे हैं दोबारा जब ये आया तो इसने बोला कि हम बंगाल का विभाजन कर दे रहे हैं यही जगह था जहां से भैया बंगाल का विद्रोह शुरू हुआ था पहला रेवोल्यूशनरी ऑफिशियल अकाउंट अनऑफिशियली बहुत जगह में पहले शुरू हो चुका था लोगों ने शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था लेकिन अगर मैं ऑफिशियल अकाउंट के बारे में अगर मैं बात करूं पहली बार में तो आप यहां पे क्या ध्यान देंगे 1857 में कहां से शुरुआत हुई थी बंगाल के बैरकपुर से शुरुआत हुई थी अब चाहे रीजन जो भी रहा हो गाय का मास रहा हो सुअर का मास रहा हो टैक्सेस का इंक्रीजमेंट रहा हो कि टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है जमींदारी हमसे जमींदारी छीन ली गई हमारी चाहे ये भी रीजंस रहे हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे राइट तो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था बाबू भैया कि जल्दी से आप लोग लुक और लोको रिफ्रेश कर तुम देखो हम इतना इतना सारा हिंट दे दिए हैं इसके बाद अगर जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा राइट किसके बारे में हमने कहा क्या नहीं ध्यान दीजिएगा जल्दी से 1857 से इलाहाबाद से कौन खड़ा हुआ था फटाफट -फड़ से बताओ भाई गाइस गाय क्लास कौन खड़ा हुआ था देखो मैंने तुमको बताया एटीन फिफ्टी में जो रिवोल्ट में जो लोग खड़े हुए थे तो उन सबके अपने अपने रीजंस थे किसी को सब्सिडरी अलायंस के तहत उनके राज्य को ले लिया गया था उनका राजपाठ उनके हाथ से जाने वाला था कुछ के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसान के ऊपर लगान बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया था मतलब सारे लोग ऑलमोस्ट अगर तुम कह लो जितने भी मैं लोगों के बारे में जिक्र करूंगी ये भुगत भोगी थे अंग्रेजों के क्या थे भुगत भोगी थे और ये रीज़न से बता सकती हूँ तो इलाहाबाद से कौन थे भैया लियाकत अली थे इलाहाबाद से है ना आप अगर कह लो हज़रत बेगम के बारे में अवध से आपकी कौन थी हज़रत बेगम खड़ी हुई थी इनका भी खड़ा होने का क्या रीजन था भैया हजरत बेगम का क्योंकि भैया ये अपने बेटे को बैठा दी कि गद्दी पे जल्दी से उसके बाद वहां से हम राज करेंगे कुछ ऐसा करके सिचुएशन क्लियर बात आई समझ में सभी को तो सारे लोग खड़े हुए बिहार से अगर हम बात करेंगे तो आपकी कुंवर सिंह जो है कुंवर सिंह आपके कहां से हुए थे वर सिंह आपके बिहार से खड़े हुए थे बिहार के जगदीशपुर से जो कि आपका भागलपुर में पड़ता है क्रेट? ओके ये देखो अब पूरी तरीके से कब्जा करिए कहते हैं कई लोगों के बारे में जिक्र किया गया कि कई लोग भाग गए कई लोग का कुछ पता नहीं जैसे हजरत बेगम को पता नहीं चला इस मूवमेंट के बाद जब इन लोगों ने दबाना शुरू किया अंग्रेज़ों ने जब मूवमेंट को दबाना जब शुरू किया तो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते थे कुछ लोग नेपाल चले गए कुछ लोग यहाँ से निकल गए कुछ लोग वहाँ से निकल गए कुछ लोग का आज तक आ, ए, कोई अकाउंट नहीं है कि इसके बाद इससे रिवोल्ट के बाद वो कहाँ गए क्या हुआ उनके साथ उसका भी नहीं है ठीक है <coughs> देखो ये महान स्वतंत्रता सेनानी जो है वहाँ से भाग गए थे फिर चौदह साल बाद सितंबर अठारह सौ इकहत्तर में सूरत के बहखाली रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों के विश्वाघात के कारण विश्वासघात के कारण पकड़ा गया तो याद रखना कि भैया दोस्त जो है विश्वासघात काफ़ी तगड़ा करते हैं और फिर इनके ऊपर क्या कहा गया इनको अदालत में इनके ऊपर कार्रवाई चली फिर इनको जेल कर दिया गया मुकदमा चली और फिर इनकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी ठीक है लेकिन 1892 में कैद के दौरान पर इनकी मौत हो गई थी लियाकत खान की पूरी बात समझ में आई समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट तो खड़ा सब कोई हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ पे ध्यान दीजिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाना साहब थे बेटा वहां से नाना साहेब थे नहीं, नहीं, नहीं। चलिए आइए हे भगवान बेटा यूपीएससी कोई खेला नहीं है बेटा कि हम यूपीएससी निकालेंगे शादी कर भूखाओ मैम यूपीएससी कोई खेला नहीं है बेटा समझे जरिया बना दिया है इन लोगों ने यूपीएससी को सुनो बाबू अगर मैं बात करूं जालिया वाला बाग मैस्कर के बारे में तो उस टाइम पे यानी कि तेरह अप्रैल उन्नीस को थर्टीन अप्रैल नाइनटीन को वॉइस कौन था केम्सफोर्ड केम्सफोर्ड जो था ये कौन था वॉइसरॉय था जिस तरीके से जालियावाला बाग मास्कअर हुआ था और एक प्रॉपर सज़ा जिस तरीके से जनरल डायर को नहीं मिली थी और जो सज़ा उसे कमेटी के हिसाब से मिलनी चाहिए थी या लोगों के हिसाब से मिलनी चाहिए जैसा उसने काम किया था बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए जहाँ पे बच्चे बूढ़े औरतें एक सभा लगी थी यार तुम एक तो हमारे तो देश पर राज कर रहे हो फिर तुम्हारे खिलाफ़ हम दो चार बातें भी ना बोले हाँ अपने लोगों में मतलब चुप रहे क्या इंसान है कि क्या है भाई जानवर को भी साथ जानवर ही बोलते जानवर भी चिल्लाते हैं वो बात है कि वो मूक है तो हमें समझ ना आता जानवर भी चिल्लाते हैं जब उन्हें काटने जाते हो ठीक है मारते हो कह रहे भैया ये काट के खाना वो उनके भी आंखों से आंसू आता है वो चुपचाप रहते हैं लेकिन वो आंसू किसी को दिखाई नहीं देते किसी को समझ में नहीं आते हैं वो आंसू क्योंकि हमने हर एक मेंटालिटी बन चुकी है कि उसको तो खाने फूड चेन तो मेंटेन रखे फूड चेन क्या तुमको अच्छा लग रहा है मसाला में भुन के खाने में तुम खा रहे हो इतनी सी बात है कि इंसानियत मर गई है इंसानियत मारने के लिए तो सब काम करवाया जाता है तुम्हारे हाथों से कटवाया जाता है इंसानियत मारने के लिए तो किया जाता है जाले वाला बैग मस्कर में अगर इनको था कि तुम ये सभा ना करो तो ये आते चुपचाप वार्निंग देते दरवाजा खोलते जाने देते लेकिन लोगों ने छोटी सी गली थी छोटा सा गेट था उसको भी बंद कर दिया कि जब चिल्लाएंगे जब गोली फायर करेंगे तो लोग भागेंगे तो भाग के बचने ना पाए तो मतलब तुम नरसंहार करने ही आए थे तुम नरसंहार करने आए थे और तुमने वो तुमने वो नरसंहार किया कितने जाने लोग कितने सैकड़ों लोग जो थे वो ताब ये वहां पे कुआं था उस कुएं में कूद गए थे कितने सारे लोग उस कुएं में कूद गए थे तो ये सारी चीजें हैं खैर आगे बढ़िएगा ध्यान दीजिएगा सिपोई है जो कानपुर से कौन खड़े हुए थे 1857 के रिवोल्ट में भैया कानपुर से कौन खड़े हुए थे मैंने एक ने कमेंट सेशन पूछा था मैंने बताया था मराठा साम्राज्य के पेशवा थे ध्यान रखिएगा मराठा साम्राज्य के क्या थे पेशवा थे पेशवा ठीक है और ये कहां से खड़े हुए आपके कानपुर के साइड से इन्होंने विद्रोह में नेतृत्व किया था नाना साहेब ने तातिया टोपिन के साथ बताएंगे जल्दी से कौन बताई तो दिया दिव्या क्या किसके बारे में नाना साहेब ने तात्या टोपिन के साथ थे लक्ष्मीबाई कहां से खड़ी हुई थी लक्ष्मीबाई झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से लक्ष्मीबाई ने क्योंकि इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनका भी राज्य जो था अंग्रेज अपने अंडर ले रहे थे राजा की मृत्यु हो चुकी थी और इनका जो, जो बेटा था वो गोद लिया हुआ था और अंग्रेजों के कानून के हिसाब से इनके गोद लिए हुए बच्चे को वो राज नहीं सौंप सकती थी इसलिए अल्टीमेटली उनका राज्य अंग्रेज अपने अंडर कर लेंगे ठीक है कुंवर सिंह मैंने अभी जस्ट बताया आपको कुंवर सिंह कहाँ से खड़े हुए थे आपके बिहार से जो लीड किया था जिन्होंने किया था कोवर सिंह ने किया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे पहला वॉइस रॉय पोर्टुगीज के पोजिशन में कौन आया था भैया ब्लू वॉटर पॉलिसी पता है किसी को क्या कुछ कह रहे हो क्या अच्छा अर्जुन ओके <laughs> देखो होता क्या है पूरी कहानी समझते हैं इनके बारे में पोर्टुगीज के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट तरी, शॉर्ट तरीके से पुर्तगाल जो थे ये भी बाकी लोगों की तरह ही थे जहाँ पे ये हल्ला था कि भैया इंडिया से माल आ रहा है इंडिया से सामान आ रहा है इंडिया जो है क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया में नहीं मिलती है क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया में नहीं है हर एक चीज़ इंडिया में मिलती है तो फिर क्यों रहा जाए इंडिया तो सबको इंडिया खोजना था लेकिन अब इंडिया खोजे कैसे इंडिया है कहां पर ये इनको नहीं पता था बस उन्होंने नाम सुना था हिंदुस्तान 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 में सब कुछ है जो एक देश में मतलब तुम कह लो मिनरल्स है सी है डेजर्ट है भैया रेगिस्तान है समुद्र है पानी है फसल है खनिज है क्या नहीं है हिंदुस्तान के पास सब कुछ है अब इनके पास भैया इनको ना मसाले की बड़ी वो लत लगी हुई थी स्पेशली मसालों की स्पेशली मसालों में जो सबसे महंगा जो मसाला इनके पास बिकता था वो था ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर जिसे आप गोल मिर्च कहते हो जैसे आप गुलकी कहते हो गोल मिर्च कहते हो काली मिर्च कहते हो वो ब्लैक पेपर सबसे ज्यादा डिमांड में होता था तो यहाँ से जिन लोगों को यहाँ का रास्ता पता था वो लोग यहाँ से खरीदते थे ब्लैक पेपर को क्या करते थे यहां से ब्लैक पेपर खरीदते थे और बाहर इनके देशों में ले जाके पुर्तगालियों को या बाकी लोगों को साठ गुना ज्यादा दामों पर बेचते थे बीस गुना दामों पर बेचते थे लेकिन वो कैसे पता हुआ कितना महंगा मिल रहा है इनको लगता था कि हाँ इतना ही दाम होता होगा जब तक आपको किसी का असल मुलकान ना आप सबसे आज तक असल प्राइस ना पता चल जाए तब तक आप किसी को कैसे बता सकते हो कि अच्छा हमें कितना महंगा मिल रहा है कितना सस्ता में मिल रहा है राइट इनको लगता था कि वहाँ जाएंगे तो हम ढूंढेंगे तो शायद और भी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी तो ढूंढने निकले भैया दो भाई ढूंढने निकले एक निकला कोलम्बस और एक निकला वास्को डेगामा कोलम्बस तो भैया कहीं और पहुँच गया अब वहाँ जाके ज़बरदस्ती कहते थे कि जबरदस्ती सौ को ये अगर मान लो क्या कि अगर दस नंबर आया तो ज़बरदस्ती इसको नब्बे नंबर करना है है ना तो ये कोलंबस ने किया जबरदस्ती वहाँ एक जगह जाके कहाँ पहुँचा जाके बोलते हैं इंडियन मिल गया इंडिया मिल गया इंडिया मिल गया अब बेचारो एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं रेड इंडियन सॉरी रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं सॉरी सॉरी माई बाहर रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं है ना बात आई समझ में यहाँ पे अब देखो क्या होगा ये यहाँ पे राजपाट करना यहाँ पे ये जब घुसता है यहाँ पे तो रेड सी रूट जो है वो ब्लॉक होगा क्या ब्लॉक होगा रेड सी रूट ब्लॉक होगा तो जब रेड सी रूट अगर जब ब्लॉक होगा तो आप मतलब समझ जाओ कि कितना लंबा इनको चलना पड़ेगा पूरा घूम के मेडिटेरियन सी के पास से होके पूरा घूम के मैं मैं आपसे समझाती हूँ आप, आप लोग को कैसी है इंडिया में फिर आके एंट्री लेंगे और भैया इंडिया में किस्मत से वासको डिगामा को एंट्री मिल गई क्योंकि रास्ते में उसको मिल गया गुज्जू और हम इंडिया जो है वो शक्ल से पहचान में आ जाते हैं शक्ल से ना तो हम हरकत से भी पहचान में आ जाते हैं ठीक है तो शक्ल से पहचान लिया बोला अरे गुज्जू आओ आओ बैठो बैठे शिप में शिप में पहुंचा कहां पे में कहा पहुंचता है कहा उतरता है कैलिकट में जल्दी से कमेंट सेक्शन में ईयर बताओ है ना चौदी शताब्दी की बात बता रहे हो तुमको अंग्रेजों से पहले की बात बता रहे हैं आप लोग को तो कैलिकट पहुंचता और कैलिकट में कौन था राजा कैलिकट में था राजा जमोरियन क्या चल रहा है बाबू कमेंट सेक्शन में किंग

तो पहले तो आया यहाँ से सामान वामान खरीदा थोड़ा बहुत गिफ्ट विफ्ट दिया फिर वापस चला गया और जब यहाँ से अपने देश वापस गया और देखा कि भैया इतने महंगे में हमें सामान बेचा जाता था और इंडिया में इतना सस्ता है तो इनका लालच उत्पन्न होना शुरू हुआ अब ये आते हैं और कोचिन में आके अपना फोर्टिफिकेशन शुरू करेंगे कहाँ पर आके कोचिन में आके अपना फोर्टिफिकेशन शुरू करेंगे क्या शुरू करेंगे फोर्टिफिकेशन देखो कोई भी फोर्टिफिकेशन कब करता है जब उसको क्या करना हो किलेबंदी का काम कब शुरू होता है जब तुमको वहाँ पर रहना हो सैन्य मिलिट्री पावर तुमको कहीं पर बैठानी हो तब तुम कहीं पे भी क्या करते हो किलेबंदी का काम करते हो अगर तुम सिर्फ व्यापारी हो तो तुम व्यापार करोगे और चले जाओगे तुम अगर सिर्फ व्यापारी हो तो तुम्हें किलेबंदी करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लेकिन क्यों उसको किलेबंदी की जरूरत पड़ी क्योंकि इसको क्या करना था यहाँ पे मिलिट्री पावर जिसके बीचों बीच में अरब्स में और इसमें काफ़ी झगड़ा होता है पुर्तगालियों में दोनों एक दूसरे में बम फेंका फेंकी करते हैं वो सब सीन है अब इन लोगों ने धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया पुर्तगालियों ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और पहला जो वॉइस का बन के आता वो अलमेड़ा जो था ये बन के आता है अब एक बात समझना इनका एक मोटिव पूछा जाता है कि क्या ये सबके साथ व्यापार करना चाहते थे बेटा ये पूरे इंडियन मार्केट में मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते थे क्या करना चाहते थे मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते थे मोनोपोली क्या होता है मैम जैसे हिंदू मैरिज में मोनोपोली होती है हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है मोनोपोली होती है एक से ही आप शादी करते हो अगर आप दूसरे से आप शादी नहीं कर सकते हो अगर आप दूसरे से कर रहे हो तो डिवोर्स देना होगा आप शादी एक से ही करोगे मोनोपोली चलती है अगर आपने कर लिया दूसरी शादी भैया आप बेगे का केस चढ़ जाएगा आपके ऊपर बात ही सुनिए क्योंकि हमारा क्या है आप दो बीवियाँ नहीं रख सकते हैं अब तुम लोग सीधे से बोलोगे वो यूट्यूबर के बारे में जो दो बीवी रखते हैं मैं वो भी तो रखता है देखो अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया अगर आपने दूसरी शादी की है पहली शादी हो के भी अगर आपने दूसरी शादी की है एक लीगल एज में ठीक है ये नहीं कि भैया अब दस साल में गली बारह साल में वो इनवैलिड शादी है वो शादी कभी वैलिड नहीं होगी जो आपने बाल विवाह के टाइम पे उसको बाल विवाह कहते वो कतई वॉइड है लेकिन अगर आपने शादी की है एक वैलिड एज में एक मेजर एज अटेंड करके दोनों की सहमति से लीगली अगर आप लोगों की शादी की है लीगली छोड़ो हमारे यहाँ सप्तफेरी चलता है हिंदू मैरिज में क्या होता है लीगल टर्म तो अब आया है कि लीगल शादी करना होगा रजिस्ट्री करना होगा जब भाग के शादी करने का कंसेप्ट आया कि भाग के शादी करना है माँ बाप पकड़ के बहुत मार मारेंगे तब लीगल टर्म आया बेसिकली क्या होता है मंदिर के सामने हम जाते हैं हम आप लोग सिंदूर दर्द कर, करते हैं और फेरे लेते हैं हमारे यहाँ सप्तफेरी का कंसेप्ट है शादी तब कंप्लीट मानी जाती है जब सप्तफेरी का कंसेप्ट होता है उस दौरान पर अब सुनो तो हमारे क्या होता है मोनोपोली चलती है कि भैया एक ही बीवी रख सकते हो आप और साथ ही साथ एक ही पति भी रख सकते हो जो लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं हम चार बीवी रखेंगे तो बेटा हम हिंदू हैं द्रौपदी करो हाँ सुनो तो क्या बताया हमने भैया आप लोगों को तो मोनोपोली है सिमिलरली अगर आप इस्लाम धर्म में जाएंगे तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि वहाँ पे पोलोगेमी है मोनोपोली नहीं है यानी आप वहाँ पे चार शादियाँ कर सकते हैं चार शादियाँ करने के बाद भी वो शादियाँ इलीगल नहीं होंगी ध्यान दीजिएगा चार शादियां करने के बाद भी वो शादियां इलीगल नहीं होंगी वॉइड काइंड ऑफ हो सकती हैं हल्की अगर आपके पास इतने पैसे हैं हैं भरण पोषण कर सकते हैं, तो आप बाकी भी शादियां कर सकते हैं चार शादियों के अलावा भी आप कर सकते हैं सिर्फ चार अलाउड नहीं है चार इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग अलाउड है क्योंकि पहले क्या होता था देखो कम करने की कोशिश की गई पहले लोग हजारों हजारों हजारो शादियां करते थे तो उसको कम किया गया एक बार में तो नहीं बोल सकते थे कम कर दो तो उसको दो पांच सौ किया उसको फिर चार सौ किया फिर सौ किया और उसको सिमटा के चार शादी में लाके रख दिया गया कि भैया तुम चार शादी कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो ये कहा गया अगर आप उनके भरण पोषण के अगर आप काबिल हैं आपको लगता है आप उनका भरण पोषण कर सकते हैं तो आप चार शादियां जो है आप वो कर सकते हैं ये कहा गया एक तो संभालता नहीं चार कौन संभाल लेगा खैर ध्यान दो अगर सही मिल गई तो बेटा संभाल ना पाओगे एक भी ना संभाल पाओगे चारों टाइम डिस्टर्ब करके रख देगी तो ये लोग क्या चाहते थे मोनोपोली चाहते थे आप तुम लोग क्या करोगे कमेंट सेक्शन में आ रहा होगा कि मैम धर्मेंद्र ने भी तो शादी की है दूसरी शादी बिना पहली बीवी को डिवोर्स दिए हुए क्योंकि पहली बीवी उनकी

तो अगर आपको मोनोपोली नहीं रखनी है, अगर आपको मोनोपोली में अगर आप हो तो भैया तभी पॉसिबल है जब आप अपना धर्म चेंज कर लोगे बात समझ में आई आपको धर्म चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हिंदू मैरिज में इसमें क्या होता है हिंदू शादी में क्या होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली चलेगी इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा अगर आपने दूसरी शादी करने की कोशिश भी की पहली बीवी के होते हुए बेटा पहली बीवी ने अगर केस कर दिया ना तो इतना दौड़ा दौड़ा के मार खाओगे इतना मार खाओगे कि तुम्हारी नौकरी जाएगी संपत्ति जब्ती होगी और जाना जाने कितनी सारी चीजें हो जाएंगी असल में ना कानून की जानकारी नहीं है लोगों को तो महिलाएं डर जाती कि आई ला हमारा पति जो है वो दूसरी शादी कर रहा है हमारा पति चक्कर चला रहा है अरे कांटेक्ट द वेदर पार्टी नाउ हो अटेंशन ध्यान दीजिएगा तो पोर्टुगीज क्या चाहते थे बेटा ये चाहते थे मोनोपोली ये चाहते थे कि इस मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ मेरा साम्राज्य हो सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार हो एक अधिकार होना मोनोपोली होना और किसी का कोई अधिकार यहाँ पे ना हो क्या बोला फ्रांसिस अल्मेड़ा ठीक है फ्रांसिस डी अल्मेड़ा जो नाम था इसने बोला कि बाबा हमको क्या चाहिए पूरे मार्केट पे सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल व्यापार करे ना कि कोई और ये सेम मोनोपोली का मार्केट आपको अगर याद आएगा तो सेम मोनोपोली का मार्केट आगे चल के अंग्रेज लेके आएंगे ब्रिटिशस लेके आएंगे जो अट्ठारह वाले चार्टर से जिसको खत्म किया जाएगा जिसको चार्टर से वापस खत्म किया जाएगा उनकी मोनोपोली को और फिर सारे मतलब क्या होता है इससे पहले क्या था जब अंग्रेज इंडिया में आ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ व्यापार कर सकती है लेकिन इस चार्टर के तहत जो 1813 का जो चार्टर लाया गया इस चार्टर के तहत क्या कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एकाधिकार को खत्म कीजिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी इंडिया के साथ बल्कि जितने भी अंग्रेज नागरिक होंगे जितने भी ब्रिटिशर्स नागरिक होंगे उन सब के लिए भारत में व्यापार का द्वार अब खुल जाएगा सिर्फ एक ही जगह पे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रखा गया जो सिर्फ उनके साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई और नहीं वो क्या था चाइना के साथ जो हम चाय का व्यापार जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वो इन्होंने बोला कि बाबू अब देखो हिस्सेदारी मिल जाएगा ना बट जाएगा ना भैया बाकी लोग भी अगर आ जाएंगे तो क्या होता है बट जाती हैं चीजें राइट चीजें क्या होती हैं बटती हैं क्लियर नहीं हम इंडिया से थोड़ी ना है हम आसमान से आए हुए आदमी हैं इंडिया से ही ध्यान दीजिएगा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है कुतुब बीन ने किसकी याद में करवाया था कई बार बता चुके हैं तुम लोग को कई बार तुमको बता चुके हैं कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो किसकी याद में करवाया था बेटा कंस्ट्रक्शन करवाया नहीं था कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया था निर्माण का कार्य शुरू करवाया था किसने कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का किसने कुतुबुद्दीन एबक ने किसकी याद में शुरू करवाया था बख्तियार काकी की याद में इसने शुरू था जो सूफी सेंट थे बख्तियार काकी इसकी याद में दूसरा चीज जो दूसरा इसने काम किया वो क्या किया था कुवैत उल इस्लाम कुवैत उल इस्लाम नाम का मस्जिद ये पहला इस्लामिक मोनूमेंट है पहला इस्लामिक मोनूमेंट भारत में पहला इस्लामिक अगर मैं क्या हो गया जा अरे पहला इस्लामिक मॉनुमेंट के बारे में अगर बात करूं मैं क्या तो कुवैत उल इस्लाम भी जो था इसने मस्जिद बनाया था उसको कुतुबुद्दीन शुरू कराया अच्छा, का 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 शुरू तो कराया एबक ने शुरू कराया किसकी याद में शुरू कराया सूफी सिंध बख्तियार काकी की याद में शुरू कराया लेकिन इसका निर्माण का कार्य कंस्ट्रक्शन का काम खत्म किसने किया इल्तुतमिश ने किया खत्म कौन करेगा रुको क्या हो गया तुमको नहीं लिखने का मन है ठीक है नहीं लिखाने का इसको मन है तो किसकी याद में किसने काम खत्म किया हाँ। तो शुरू किया आ, मतलब किया वो ढाई दिन का झोपड़ा किया अब भैया ये कहता है कि इसने ढाई दिन का झोपड़ा बनाया है एबक बोलता है कि इसने ढाई दिन का झोपड़ा बनाया है और अगर हम अपनी विरासत की तरफ जाएं सच्चाई की तरफ जाएं तो असल में ढाई दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसका नाम कंठ सरस्वती कंठावरण था करेक्ट मिफ आई एम रॉन्ग हल्का कंठावरण या कंठमाला करके कंठावरण या कंठमाला करके जो वहां पे अभी भी अंदर अगर आप जाओगे ढाई दिन के झोपड़े में तो वहां पे जो चलचित्र जो अंदर बने हुए हैं जो दीवारों पे जो घेरे हुए हैं उनसे समझ में आता है कि ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसको ढाई दिन के झोपड़े में तब्दील किया गया यहां आज भी उर्स का मेला लगता पंजाब शाह के याद में यहां आज भी उर्स का मेला लगता है जो कि तीन दिन का मेला होता है बात आई समझ में क्लियर हुआ सारा पॉइंट ओके बाबा राणा सपनों का आशियाना हो गया समझ में आया सबको पॉइंट एनी डाउट हाँ हाँ पुतिन को हाँ हाय 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 चलो ठीक 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 पकड़ के मारेगा तुम लोग को पुतिन पता है अभी क्लियर गाइस पॉइंट समझ में आया सभी को नेक्स्ट वन पे अटेंशन तुर्क चहलगानी जो है या ग्रुप ऑफ फोर्टी लोगों का चालीस लोगों का ग्रुप बनाया गया था देखो एबक चलो वापस से शुरू करते हैं अरे यार पक, क्या हो गया तुमको लिखा नहीं रहा है हाँ ध्यान दो यहाँ पे बेटा क्या हुआ था स्लेव डायनेस्टी ओ सॉरी बेटा नहीं बोलना था तुम लोगों को। डायनेस्टी शुरू हुई किसके बाद गौरी डेथ गुलामों के द्वारा शुरू की गई एबक जो था ये पहला शासक बना लेकिन एबक वो आदमी था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी थी एबक कौन था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी थी ये था एबक ये अपने आप को कहता था मैं गुलाम हूं और मैं हमेशा गुलाम ही रहूंगा लाख बख्श का टाइटल इसको प्राप्त था किसका टाइटल टाइटल लाख लाख का इसको प्राप्त था इसके बाद दूसरा आता है वो कौन आता है इल्तुतमिश जिसे आप हमने दिल्ली का असल सुल्तान माना था क्योंकि इसने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली स्थान्तरित किया था दिल्ली को ट्रांसफर किया था तो इसे दिल्ली का सुल्तान मानते थे तूतमिश को और ये वो था जिसको भैया किसके राजा से आ, बगदाद की खलीफा से धार्मिक रूप में खलीफा किसे कहते हैं, जो धार्मिक रूप में सबसे बड़ा हो धार्मिक गुरुओं के तौर पे, धार्मिक तुम समझ लो जिसको लोग अपना मेंटर मानते हो वो तो बगदाद के खलीफा से सम्मान सूचक वस्त्र भी प्राप्त हुए किसको इल्टूतविश को प्राप्त हुए थे सम्मान सूचक वस्त्र अब सुनो बातों को इल्टूतविश ने क्या किया ये एक 40 लोगों का ग्रुप बनाता 40 रईस लोगों का ग्रुप बनाता है अमीर अलग होते हैं, बेटा रईस अलग होते हैं ठीक है ठेके? तो क्या बोला 40 रईस लोगों का इसने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा तुरकाने चहलगानी तुरकाने चहलगानी क्यों बनाया मैम इसने ये ग्रुप बेटा ग्रुप इसने इसलिए बनाया इसको लगा कि मेरे मरने के बाद पहले को पाला पोसा अपने दरबार में रखा फिर बोला कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारियों की सेवा और संरक्षण जो करेंगे मेरे की, वो ये चालीस मेंबर करेंगे मेरे उत्तराधिकारी की संरक्षण का काम जो करेंगे वो कौन करेंगे वो ये चालीस लोग करेंगे बात आई समझ में किसने इलतूत ने क्लियर हुई बातें आप लोग को बात आई समझ में अच्छा मुझे एक बार सजेशन देना तुम लोग क्लास अभी खत्म करेंगे हम लोग एक सजेशन देना मैं मंडे से आप लोग की थ्योरी क्लासेस लेके आऊँ बारह बजे पॉलिटी वाली या हिस्ट्री की लेके आऊँ पॉलिट थ्योरी क्लासेस क्लास जब एंड हो जाए तो प्लीज डू कमेंट इन सी अबाउट दिस गिव मे सजेशन मैं थ्योरी क्लास लेके आती हूँ आप लोग एक प्ले बन जाएगी आप लोग की प्रॉपर तरीके से जो बच्चे एकदम बेसिक से देखो वैसे तो मैं जैसे मैं पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को एमसीक्यू तो मैं एक एक पॉइंट इतने अच्छे समझा देती हूँ कि आपको पूरा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए एक एक रूलर्स के बारे में पता चल जाए लेकिन आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको थ्योरी चाहिए तो किसकी था चाहिए थ्योरी चाहिए पहले वेदर यू वॉन्ट द पॉलिटिक थ्योरी और यू वॉन्ट द हिस्ट्री थ्योरी ठीक है तो अपन उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर देंगे आपके लिए मिडाइवल की ओके okay? <coughs> नेक्स्ट वन किसने मर्डर कर दिया था किसका जलालुद्दीन खिलजी का आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी भी गोरी का गुलामों में से आता था गोरी के गुलामों में से और ये काफी निचली नस्ल से बिलोंग करता था ये गुलाम का भी गुलाम था गोरी ये जो था कि जो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये गुलाम का भी गुलाम था इसीलिए जब ये सबसे पहले जब ये सत्ता में बैठता है जब खिलजी जो सत्ता में बैठते हैं तो सबसे पहली बार जो इन्होंने काम किया वो क्या काम किया नस्ल की राजनीति को ख़त्म किया बोला हम लोग छोटा ऊपर नीचे छोटा ऊपर बड़ा छोटा हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग नस्ल की राजनीति को क्या करेंगे हम लोग नस्ल की राजनीति को ख़त्म करेंगे अरे यार एक बार में क्यों नहीं बंद होता है ठीक है नस्ल की राजनीति को अपन क्या करेंगे खत्म करेंगे लेकिन हाँ हिंदुओं के खिलाफ लगाया बहुत तगड़े तरीके से था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भी और इसने भी काफी तगड़े तरीके से टैक्सेस लगाए थे इम्पोज किए थे जजिया लगाया था खैर ध्यान दीजिएगा अब इसको धोखाधड़ी करके मारने वाला कौन था खुद इसी का दामाद और इसका भतीजा जिसने इसकी बेटी से शादी की थी जिसने इसको मारा था किसने अलाउद्दीन खिलजी ने अब दो तीन चीजें हैं वो सुनो कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है बड़ा आराम करने वाला राजा था सुल्तान था बड़ा आराम करके उठता बैठता बड़ा आराम से है ना थोड़ा पीस लविंग था क्योंकि ज्यादा मार काट नहीं मचा रहा है ए इसको मारो ए इसको काटो ए इसकी आंखें निकालो ए इसका हाथ तोड़ दो है ना इसका जिगरा निकाल लो है ना इसका जिगर खाएंगे हम बैठ के तो ऐसे सा सीरीज बनाते कि क्या ही बताएंगे तुमको खैर तो इसके पीस वाला जो है जो शांति वाला इसका जो राजपाठ है वो तो मैक्सिम लोगों को रास नहीं आ रहा था तो आधे हजार लोगों को पहली अलाउद्दीन खिलजी अपने साइड पे कर चुका था दूसरी चीज इसने विश्वासघात करके मारा कब जलालुद्दीन खिलजी को जब ये देवगिरी से आ रहा था कहां से जब ये देवगिरी से लौटा था धन लूट के क्या करके जब ये धन लूट के जब ये देवगिरी से लौटा था तो बहुत पैसे थे और भैया उसी टाइम पर इसको मार दिया था पद्मावत की फिल्म में एक सीन गलत दिखाया गया था वो ये कि मलिक काफूर को जलालुद्दीन खिलजी ने गिफ्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी को ये गलत है जला अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था खंबात के बंदरगाह से खरीदा था ठीक है एक हजार दिनार में दूसरी चीज जब इसने जलालुद्दीन को जान से मार दिया धोखे सिंह तो कहते हैं कि अब वहाँ पे जो मल्लिका बैठी थी जलालुद्दीन की पत्नी उनको लगा कि अब जनता जो है प्रजा जो है वो अलाउद्दीन को मार देगी क्योंकि उनके राजा को मारा है भैया तो प्रजा इसको अलाउद्दीन को जान से मार देगी

बाप बड़ा ना भैया और उन प्रजा के लिए सबसे बड़ा रुपया तो भैया उन लोगों राजा को भूल गए और वो धन लूटने में व्यस्त हो गए और किसी ने भी अलाउद्दीन का विद्रोह नहीं किया कि तुमने हमारे राजा को क्यों मार दिया तुमने हमारे सुल्तान को क्यों मार दिया और किसी ने भी इसका विद्रोह नहीं किया और बाबू भैया ये बड़े ही आराम से धन लुटाते हुए अपना रास्ता क्लियर करते हुए ये वहां से निकल आया जो इसने देवगिरी से जो इसने धन लूटा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि बेटा आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी खिलजी से बनते हैं एज क्या क्या सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया ये बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आया था राइट स्पाई सिस्टम जासूस का सिस्टम मार्केट पॉलिसी मार्केट के सिस्टम ठीक है ये क्या कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस ये सारी चीज़ें किसने शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी इसको इतना डर था अपनी सत्ता खोने से कि इसने क्या किया बोला जासूस सिस्टम शुरू करते हैं जासूस सिस्टम अपने सारे सैनिकों का हुलिया बनवाता था अलग अलग जगह में अपना स्पाई छोड़ के रखता था कहाँ क्या हो रहा है हमको पता चलना चाहिए उसके बाद और क्या करता था ये तो इसने क्या किया क्या नाम है यार इसका हाँ मर्चेंट्स कौन से ट्रेडर हमारे मार्केट में आ रहे हैं उसकी जानकारी रखना कि बाज़ार में कितना के भाव पे क्या बिकेगा मार्केट पॉलिसी निर्धारित ये करता था कि अच्छा ऐसा नहीं कि भैया तुम दस रुपये बेच लो बीस रुपये बेच लोगे है ना मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ये बता के रखेगी हाँ तुमको चालीस का भाव देना मतलब चालीस का तुमको लेना है तो सारे लोग एक ही पॉलिसी फॉलो करेंगे मार्केट पॉलिसी को तय करता था देखो कोई भी दुश्मन घुसेगा कोई भी दुश्मन अगर तुम्हारे शासन में तुम्हारी सल्तनत में घुसेगा तो दो जगह से आएगा एक सेना के थ्रू एंट्री लेके सेना का वेश बना के और दूसरा व्यापारी का वेश बना के तुम तो इतिहास इतिहास उठा के के देख लो पूरा इस बात का गवाह है फिर भी अंग्रेजों की आने के बाद किसी को इसका ख्याल नहीं हुआ कि ये भी व्यापारी बन के घुसे हैं हमारे यहाँ खैर तो अलाउद्दीन क्या था भैया इसने पूरा नियंत्रण रखा था उसके ऊपर फिर घोड़े दागी का इसने क्या शुरू किया घोड़े दागी की प्रथा शुरू की कहता था जो इसे अच्छे नस्ल का घोड़ा ला देता था वो उन घोड़ों की दागी करता था अच्छे नस्ल की घोड़ों पे और नगद पैसा जो देना शुरू किया वो ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने नगद पैसा तो पहले क्या होता था अनाज दे दो बकरी दे दो गाय दे दो राइट चीज़ें दे दो पहली बार जिसने सैलरी शुरू की नगद वेतन के रूप में यानी कैश के रूप में जिसने पहली बार सैलरी शुरू की है वो कौन था वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने नगद वेतन शुरू किया सैनिकों का और ये बहुत सारी चीज़ें हैं ओके गाइस आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो एंड uh, मैंने पूरी कोशिश की है पूरी मेहनत की है कि मैं आप को एक पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ मैं आपके सारे डाउट्स को मैं अच्छे से कैटर कर पाऊँ तो गाइस अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो देन डू लाइक दिस सेशन एक दिखा दीजिएगा सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा एज वेल एज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है वो रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से कि आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि मंडे से देखो आज सैटरडे दे है कल संडे है ठीक है मंडे से मैं आपकी थ्योरी लेके आऊं किसकी पॉलिटी की थ्योरी लेके आऊँ या मैं मेडिवल हिस्ट्री की थ्योरी लेके आऊँ ठीक है तो अकॉर्डिंगली अपन फिर टाइम को ये करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड वही मीट यू वेरी सुन तब तक के लिए ख्याल रखें सारे अपना थैंक यू